वंदे हम श्रीगुरो श्रीतापद्मनम श्रीगुरुं दशमं साक्षिरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणनिता श्रीविशाखामृतं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भक्तदे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनः नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पद्रुवस्य कृपासिन्धुभ्यो च जना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पिछले क्लास में कौन से श्लोक तक हमने कर लिया था? 22 नंबर याद है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, हमने 16th श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। सोलह नंबर श्लोक में हम देखते हैं। तो मेरी आवाज सबको ठीक ठाक आ रही है? जी। ओके। सोलह नंबर श्लोक में हम देखते हैं भगवान ने चार लोगों के बारे में बताते हैं जो कि कृष्ण के पास में आते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये सब मिश्र भक्त हैं। तो आर्तो अर्थार्थी, आर्तो अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों के तीनों है कर्म मिश्र भक्त, और ज्ञानी है ज्ञान मिश्र भक्त। हाँ, पर किंतु सबके सब भक्त हैं क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति। तो फिर आगे अर्जुन पूछता है कि इन सब में सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है। फिर कृष्ण 17 नंबर श्लोक में बताते हैं कि इन सब में सबसे अच्छा कौन है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। अर्थ पढ़िए इसका। हरे कृष्णा, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं नेय जानने के योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं रुद्रवेद आप शायद सातवां अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं। सॉरी प्रभु जी, सातवां अध्याय का 17 श्लोक। सातवां अध्याय 17 श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उनसे निरंतर प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सबके सब प्रिय है मुझे, किंतु ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? नित्य युक्ता, उसका मन हमेशा मुझ में ही लगा रहता है। तो अर्जुन वाकिलों में क्यों नहीं लगा रहता है? क्योंकि वाकिलों का मन बटा रहता है उनकी इच्छाओं में। जो अर्थ है उसको टेंशन रहती है कि मेरी परेशानियां कब दूर होंगी। जो अर्थार्थी है उसको चिंता बनी रहती है कि पैसा कब आएगा, हाँ, या फिर कुछ नौकरी कब लगेगी। तो उसका मन बटा हुआ है। और जो जिज्ञासु है उसको जिज्ञासा रहती है और भी चीजों के बारे में। तो उसका मन कैसा रहता है? बटा रहता है। तो मन बटे रहने के कारण इन लोगों का जो भगवान में भगवान की भक्ति में जो मन लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है, वो बटा रहता है। दूसरा बात क्या है कि अगर इन लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, मान लीजिए अर्थ की समस्याएं चली गई, अर्थार्थी का पैसा आ गया और जिज्ञासु की जिज्ञासा खत्म हो गई, तो हो सकता है वो कृष्ण के पास दोबारा ना आए, वो संतुष्ट हो सकते हैं। किंतु ये व्यक्ति कभी कृष्ण को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं। और तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ये लोग क्या साधारण ज्ञानी जैसे हैं? कृष्ण बोलते हैं नहीं, ये साधारण ज्ञानी नहीं है, इनका मेरी प्रति बहुत आकर्षण है।
इसलिए ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है ज्ञानी। ये मिश्रित इसलिए है क्योंकि ग्रंथों में शरीर और आत्मा के बारे में जो भेद आता है या 24 तत्वों का जो विश्लेषण आता है उसकी प्रति उसकी बहुत रुचि है, उसमें डूबा रहता है, किंतु उसका एक ही जीवन का लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त करना। हाँ, तो इसलिए ये चारों लोगों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो दो कारण हमने बताया, एक तो ये कि एकाग्र चित्त से ये भगवान की सेवा कर सकता है, दूसरा बात यह है कि कभी भगवान को छोड़ के जाएगा नहीं, हाँ, क्योंकि इसके पास ज्ञान है। इसलिए भगवान बोलते हैं चारों में ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह से वो मिश्र भक्त है क्योंकि भक्ति करता है, वो भी जप वगैरह करते हैं, सब करता है, किंतु आत्मा शरीर के भेद में ज्यादा दिमाग जाता है उसका, बुद्धि ज्यादा जाती है, इसलिए मिश्रण है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, बाकी तीन लोग आपको प्रिय नहीं है क्या, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु। तो फिर कृष्ण 18 नंबर श्लोक बोलते हैं, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वि आत्मेव मे मतम आस्थिता सहि युक्तात्मा मान एवानु मे माम एवानुत्तमाम गतिम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये जो व्यक्ति है ये मुझे बहुत प्रिय है, क्यों? आश्रिता साही युक्त आत्मा, क्योंकि उसकी जो आस्था है वो मुझसे हमेशा युक्त है। तो ये साधारण ज्ञानी जैसा नहीं है जिसको स्वर्ग चाहिए या मोक्ष चाहिए, ये व्यक्ति हमेशा मुझ पर निर्भर करता है, इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और मैं उसको कितना प्रिय हूं, मैं उसको उतना प्रिय हूं जितना मैं अपने आप को प्रिय हूं, या वो मुझे उतना प्रिय है जितना मैं अपने आप को प्रिय हूं। कृष्ण उसको अपने समान ही समझते हैं कि ये मेरे जैसा ही है, ये मेरे से भिन्न नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, केवल भक्त, कृष्ण बोलते हैं ये मुझे अपने से ज्यादा प्रिय है। जितना मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता उतना इन भक्तों से प्रेम करता हूँ, जो केवल भक्त है, मतलब शुद्ध भक्त है। ये मिश्रित है तो ये बोलते हैं जितना मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ उतना उनसे प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से भगवान भक्त प्रेम करते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, ये आपको बहुत प्रिय है, पर इसको आपके पास आने में कितना समय लगता है? जैसे हमने बताया था पिछली बार के वो ये व्यक्ति शांत रस को प्राप्त करता है, शांत रति को, तो इसको कितना समय लगता है भगवान के पास जाने में? तो वो भगवान 19 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, बहुनाम जम नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे समुचित ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहु नाम जन्म नाम अंते, तो ऐसा व्यक्ति उसको बहुत समय लगता है आने में, क्योंकि ज्ञान का मिश्रण है। तो भक्ति जितनी ज्यादा शुद्ध होगी उतना जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस मिश्रण के कारण क्या होता है, उसको कई जन्मों तक, बहु नाम जन्म नाम अंत, कई जन्मों के अंत में उसको समझ में आता है वासुदेव सर्वमिति, भगवान को, वो भगवान वासुदेव को हर चीज का कारण समझ सकता है और भगवान वासुदेव को हर जगह देख सकता है। कैसे? हर चीज भगवान से युक्त है। ब्रह्मवादी हर जगह ब्रह्म को देखता है, सर्व खालु इदम ब्रह्मन, वो देखता है हर चीज कैसे ब्रह्म ज्योति से निकली हुई है। लेकिन ये जो भक्त है ये हर चीज क्या देखता है, हर चीज भगवान वासुदेव से निकली हुई है। तो ये ब्रह्मवादी और इस भक्त में अंतर है। और ये व्यक्ति भक्तों के संग में आके मेरे प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होता है, तो इसको कई जन्म लगते हैं इसके लिए। उसको भगवान बोल रहे हैं महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा, वो व्यक्ति
जिसकी जिसका जो चित्त है वो स्थिर है। स्थिर किसकी तरफ है? मात्र कृष्ण की ओर। अभी तक स्थिर नहीं था, अभी तक क्या था, आत्मा के ज्ञान में भी बार बार जाता था, कैसे हम शरीर नहीं है आत्मा है। अभी पूर्ण रूप से कहां बुद्धि जा रही है कि हम कृष्ण की ओर जा रही है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा देखने बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो भगवान बोलते हैं ना मनुष्य नाम सहस्त्र से पहले बोला हुआ है, तो हजारों लोगों में एक व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से जानता है। तो इस तरह से जो एकांत भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। भक्ति अपने आप में दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति और भी ज्यादा दुर्लभ है। तो ये भगवान यहां समझाते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, कुछ लोग हैं उनके हृदय में भी आकांक्षाएं होती हैं। तो ये आपने बताया मिश्रित भक्त हैं जो मेरे पास अलग अलग आकांक्षाओं से आते हैं, किंतु कुछ लोग हैं जिनके अंदर ऐसी आकांक्षाएं होती हैं पर वो आपके पास नहीं आते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? तो वो भगवान 20 नंबर श्लोक में बताते हैं। 20, 21, 22 में भगवान बताएंगे देवी देवताओं के बारे में, 20 से लेकर 23 तक, और 24, 25 में बताएंगे ब्रह्मवादियों के बारे में जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। 20 नंबर श्लोक, कामेस्ते स्थिर हित ज्ञान प्रबद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियम नियम आस्थाय प्रगत्या नियता स्वय पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, हित ज्ञान, इनका जो ज्ञान है या बुद्धि है उसको चोरी कर लिया गया है, मतलब गायब हो गई है बुद्धि। क्यों बुद्धि गायब हो गई है? क्योंकि ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर मैं बीमार हूं तो अगर सूर्यदेव के पास में जाऊंगा तो फटाफट ठीक हो जाऊंगा, भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तो फटाफट ठीक नहीं होऊंगा, तो देवताओं के पास जाते हैं। अरे उनको पता नहीं है कि देवताओं को भी सप्लाई कौन देता है, भगवान ही देते हैं। वो ये व्यक्ति ये सब नहीं समझता है। तो सिर्फ प्रकृता नियता स्वया, अपने अपने प्रकृति के अनुसार लोग अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। जैसे भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे जो सत्यगुणी लोग होते हैं वो इंद्र चंद्र आदि देवताओं को पूजते हैं, जो रजोगुणी लोग होते हैं वो राक्षसों को पूजते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो इस तरह से अपने अपने गुणों के अनुसार लोग अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं, और प्रकृति में संलग्न होने कारण उनकी बहुत सारी भौतिक कामनाएं होती हैं और वो भगवान को की तरफ शरणागत नहीं होते। तो भगवान के प्रति अगर शरणागति चाहिए तो भक्त के संग में आना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति मात्र भक्त के संग में आने से ही होती है, या वो इच्छा भक्तों के संग में आने से ही प्रकट होती है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोधार दी तीव्रेण भक्ति योगिना यजते पुरुषम परम। तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़िए इसको, उसके बाद जो प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं को अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निरंतर निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमो गुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पदभ्रष्ट नहीं होता क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कारण के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं,
किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितमृता में आदि लीला में 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं आता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर करता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। तो इन लोगों के साथ गड़बड़ क्या है, ये लोग सोचते हैं कि कई बार इन लोगों को ये भी पता होता है कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। तो भारतीय लोगों में कई बार लोगों को पता होगा, हमको बचपन से पता है कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, सुना हुआ है, साधु पुरुष लोग बोलते रहते हैं, किंतु फिर भी लगता क्या है, लगता है कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी अगर शरीर का रोग दूर करना है तो सूर्यदेव के पास जाना चाहिए, क्योंकि काम फटाफट हो जाता है। तो ये लोगों को लगता है, पर उनको ये असलियत नहीं पता है कि देवता लोग वो चीज देते हैं हमको जो हमको चाहिए, भगवान विष्णु हमको वो चीज देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, ये दोनों में डिफरेंस है। उदाहरण किसका आता है, उदाहरण आता है एक पिता में और एक दुकानदार में, इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर बच्चे के पास में 50 रुपए है और मुंह में दांतों में पायरिया हो गया है, दांत सड़ रहे हैं, तो अगर वो दुकानदार के पास जाएगा और नोट दिखाएगा, बोलेगा हमको चॉकलेट चाहिए, दुकानदार क्या करेगा, कोई जवाब देगा क्या, क्या करेगा दुकानदार, चॉकलेट देगा, बोलेगा मुंह खोलो, दे देगा प्रभु, हाँ दे देगा, तुरंत दे देगा, वो पूछेगा नहीं। तो देवता लोग वैसे हैं, आप जाइए विधि विधान का पालन करिए, पूजा करिए, आप फटाफट वो आपको जो चाहिए वो दे देते हैं। लेकिन यार वो पिताजी के पास जाएगा और 50 का नोट दिखाएगा, पहले बोलेगा पिताजी चॉकलेट चाहिए, पिताजी मना कर देते हैं, फिर 50 का नोट दिखाएगा, एक पैसा लेके चॉकलेट दे दो, पिताजी क्या करेंगे, नहीं देंगे प्रभु, क्योंकि उसकी दांत सड़ गए ना, हाँ नहीं देंगे, और समझने पे नहीं समझेगा तो थप्पड़ भी दे देंगे, सही, फॉरेन कंट्रीज में नहीं देंगे, वहां पे चाइल्ड अब्यूज केस हो जाता है, लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं, हमको पता नहीं और जगह क्या है, लेकिन पिताजी थप्पड़ देंगे, बोलेंगे अरे पहले पिताजी क्या करेंगे, दांतों का इलाज कराएंगे, दांत जब ठीक हो जाएंगे तब चॉकलेट देंगे, उसके लिए भी 50 रुपए देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ठीक करते हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति भगवान विष्णु के पास में जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उनको पता है कि ये व्यक्ति परेशान इसलिए नहीं है कि इसके पास ये वस्तु नहीं है, ये परेशान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये भौतिक कामनाएं हैं। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, हृदय शुद्ध करते हैं और हृदय शुद्ध करने के बाद में चीज देते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज, ये ध्रुव महाराज जब भगवान के पास गए, ध्रुव महाराज के पास क्या इच्छा थी, क्या इच्छा थी ध्रुव महाराज की, ब्रह्मा से बड़ा राज्य चाहिए, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राजा चाहिए उनको। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं वो अपना संघ ध्रुव महाराज के सर पे रखते हैं और फिर ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, स्थान अभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वान प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि देव रत्नम स्वामिन कृतातो अस्मि वरम न याचे। बोलते स्थान अभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं अभी तक तपस्या कर रहा था आपको प्राप्त करने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी से ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गोयम, मुझे आप प्राप्त हो गए जिसको बड़े बड़े मुनि इंद्र आदि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। काचन विचिन्वन अपि देवरत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, जिस अगर कांच के टुकड़े अगर हम हाथ में रखते हैं तो क्या होता है, हाथ कट जाता है, खून निकलता है, दुख होता है, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हो गया, आपके जैसा दिव्यरत्न प्राप्त हो गया, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, इसलिए हे भगवान आपको अब कुछ नहीं चाहिए, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। फिर भी भगवान बोलते हैं तुमने इच्छा की थी इसलिए 36,000 साल तक अपने यहाँ पर राज करो, और फिर बाद में हम आपको ध्रुव महाराज कर ध्रुव लोक का राजा बना देंगे। ध्रुव लोक आध्यात्मिक लोक है और वो ब्रह्मलोक से भी या सत्यलोक से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, जहां ब्रह्मा जी राज करते हैं।
तो भगवान ने इच्छा भी पूरी की। तो भगवान यही करते हैं, भगवान क्या करते हैं, भौतिक इच्छाएं शुद्ध कर देते हैं, फिर देते हैं। उस पिता की तरह जिसको पता है कि परेशानी कहाँ पर है, पिता परेशानी दूर करता है। तो ये लोग क्या, ये जो देवताओं के पूजक है, ये समझते नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं, देवता लोग श्रेष्ठ हैं, फटाफट मिल जाता है। उनको पता नहीं है कि भगवान विष्णु उस पिता की तरह हैं जो हमारी परेशानी पर ठीक करते हैं, जो भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर हैं, और फिर हमको वो चीज देते हैं, ताकि हम जब वो चीज हमको मिलेगी तो हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, इंद्रिय तृप्ति करके हमारा पतन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अंतर है। और फिर वो भगवान बोलते हैं कि वो लोग हित गाना कम बुद्धि वाले क्यों हैं, वो 21 नंबर श्लोक में समझाते हैं, कारण बताते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप सिद्ध स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। तो ताम तनुम, तनुम मतलब जब जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करना चाहता है, उस देवता के प्रति उस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा कौन स्थापित करता है? भगवान विष्णु बोलते हैं मैं ही करता हूं। उस देवता के अंदर वो शक्ति नहीं है कि उस श्रद्धा को उस पूजक के हृदय में, जो पूजा करने वाला है उसके हृदय में स्थापित कर सके। तो वो श्रद्धा भी मैं ही स्थापित करता हूं। इसलिए भगवान ने जो पुराण है, बहुत सारे पुराण, उनमें आधी चीज दी हुई है। शिव पुराण है, शिव पुराण में शिवजी को ऐसा दिखाया गया है कि जैसे शिवजी ही भगवान है। तो भारत में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब टीवी सीरियल आता है, शिव पुराण में दिखाते हैं सीरियल में कि भाई शिवजी श्रेष्ठ हैं, देवी पुराण में दिखाते हैं देवी श्रेष्ठ हैं, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं कि लगता है कोई श्रेष्ठ नहीं है या सब श्रेष्ठ है, तो उनका कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अन्य पुराणों में आधी बात बताई गई है। जैसे भारत में सिस्टम क्या है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो अगर चीफ मिनिस्टर की खूब तारीफ की जाए कि उसके आदेश के बिना ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, लोगों को लगता है कि चीफ मिनिस्टर ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों के बारे में पता चलेगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से भी श्रेष्ठ है। उसी तरह से देवतागण जो हैं, उनकी ही सिर्फ प्रशंसा की जाती है, भगवान विष्णु से उनकी तुलना नहीं की जाती है। इसलिए लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि हमारे जो देवता हैं, शिव जी हैं, देवी हैं, यही श्रेष्ठ है। तो ये जानबूझ के पुराण लोग ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कोई देवी देवताओं की पूजा करे, अन्यथा कोई देवी देवताओं की पूजा करेगा ही नहीं। तो मौका दिया जाता है उनके पूजक को। जैसे एक भक्त थे हमारे, काउंसलर हैं, तो वो जब पढ़ाई कर रहा था NIT जमशेदपुर में, तो वहां का रहने वाला है, बाबा धाम है बिहार में, जहां पर शिव जी की बहुत पूजा होती है। तो अपना शिव पुराण लेके आ गया, बोले क्या प्रभु जी, आप बोलते हैं कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, ये देखिए शिव पुराण। तो मैंने भी शिव पुराण पढ़ी नहीं थी, तो मैं थोड़ा डर गया, पता नहीं क्या दिखाने वाला है। जैसे ही शिव पुराण खोली, उसमें लिखा हुआ था ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में फिर ये हुआ। फिर हमने भागवतम खोली, खोल के दिखाया उनको, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद। हमने कहा ये ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत नहीं है, ये ब्रह्मा जी की पहले की बात है जो भागवतम में दी हुई है। अहम एव असम एव अग्रे नान्न यसत् असत् परम। जब ये कोई भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भगवान क्या बोलते हैं, तब मैं था। भौतिक सृष्टि समाप्त होने के बाद मैं अकेला ही बसता हूँ, ना अन्य मतलब कोई और नहीं बसता, सिर्फ मैं ही बसता हूँ। तो फिर उसको क्लियर हो गया, वो दो मिनट में क्लियर हो गया। तो उस तरह से इन पुराणों में आधी बात बताई जाती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, वो श्रद्धा कौन स्थापित करता है, मैं ही स्थापित करता हूँ। फिर जब वो लोग
देवी देवताओं की पूजा करके वरदान मांगते हैं, तो वरदान स्वरूप जो भी शक्तियां आती हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, वो कौन देता है देवी देवताओं को? वो मैं ही देता हूं। तो भगवान बोलते सब मैं ही देता हूं, किंतु वो ये जो कनेक्शन देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ये लोग कम बुद्धि वाले हैं, ये मुख्य कारण है। तो जीव क्या करता है, जीव मात्र इच्छा करता है। तो जीव जब इच्छा करता है, क्योंकि हृदय में विराजमान परमात्मा उसको नोट करते हैं, परमात्मा देखते हैं इस व्यक्ति के पास इस इच्छा को पूरे करने का पुण्य अभी है कि नहीं है। परमात्मा की परछाई है माया देवी, वो माया देवी को इशारा करते हैं। माया देवी उनके अंडर सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो देवी देवताओं को आदेश देती हैं। और फिर ये देवी देवता क्या करते हैं, इस शरीर में जो भी हो रहा है उसको करते हैं, या फिर ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसको करते हैं, क्योंकि वो इंचार्ज है। जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हमको हाथ को ऊपर करना है, हम इच्छा करते हैं, परमात्मा नोट करते हैं, परमात्मा की परछाई है माया देवी, माया देवी को पता चलता है, माया देवी देवताओं को भ्रमित करती हैं कि ये व्यक्ति इच्छा कर रहा है, इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। देवताओं को लगता है हम इच्छा पूरा कर रहे हैं। तो देवता जो जैसे इंद्रदेव है हाथ के देवता, तो इंद्रदेव बोलते हैं किसको, वायुदेव को, कि हाथ को ऊपर उठाने में मदद कीजिए। जब वायु यहां से वहां जाती है तो फिर क्या होता है, हाथ ऊपर उठता है। तो देवताओं को लगता है हम कर रहे हैं, वो भ्रम में रहते हैं, हमको लगता है मैं हाथ को ऊपर उठा रहा हूं, मैं भी भ्रम में रहता हूं, क्योंकि माया दोनों को उल्लू बनाती है। कर कौन रहा है, परमात्मा कर रहा है। दूसरे सब कुछ करने वाले भगवान है, किंतु जो इस विद्या को समझता नहीं है उसको लगता है कि देवी देवता सब कुछ कर रहे हैं या हम सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, हित ज्ञाना, उनका जो ज्ञान है वो चोरी कर लिया गया है। तो नरेंद्र प्रभु का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, नमो प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न, ये जो आप देवताओं के बारे में बता रहे हैं, तो देवताओं की डेफिनेशन क्या है, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि ये देवता श्रेणी में आते हैं और ये नहीं आते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में और हमारे समुदाय में कि बहुत लोग, बहुत कुछ लोगों की पूजा करते हैं, तो हमें पता नहीं कि वो देवता श्रेणी में आते हैं नहीं आते। जैसे कि कोई कोई देवी की पूजा कर रहा है तो कोई किसी बाबा की पूजा कर रहा है, बोलते हैं ये हमारे देवता हैं ऐसे ऐसे, तो शास्त्रों के हिसाब से हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन देवता श्रेणी में आते हैं कौन नहीं आते हैं, और बाकी सब बकवास है ये सब ऐसे ही लोग मान रहे हैं? देवता जो लोग हैं, ये शास्त्रों में दिया हुआ कि ये कौन कौन सी पदवी है, और हर पदवी की एक क्वालिफिकेशन होती है। जो व्यक्ति 1000 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करता है उसको ब्रह्मा की पदवी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं करने के योग्य है तो भगवान स्वयं उस पदवी को ग्रहण करते हैं या अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं वहां पर। फिर जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ लगातार करता है उसको इंद्र की पदवी मिलती है। ये सारी पदवियां हैं, ये सब शास्त्रों में दी हुई है, तो इनको देवी देवता कहते हैं। उसके अलावा कोई भी कुछ भी बोल रहा है हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। शास्त्र प्रमाण है, कोई बोलता है मैं देवी देवता भी हूं तो शास्त्र में दिखाइए कहां लिखा हुआ है कि आप देवी देवता हैं। सिंपल चीज, बाकी हम किसी पे भरोसा नहीं करते, ठीक है ना? ओम प्रकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे 21 श्लोका में भी कि भगवान हर देवता के हृदय में निवास करते हैं। अभी देव अलग अलग देवलोक का भी वर्णन किया गया है 7वें अध्याय में, जो अलग अलग देवता का जो लोक है, देवलोक है, वहाँ पे किसकी पूजा होती है? क्या उन देवताओं को भगवान का स्वयं रूप का ज्ञान है, या मतलब वो लोग स्वयं भगवान को स्वयं रूप में पूजते हैं, या कैसा है प्रभु जी? वहाँ पर उन लोग किसको प्राथमिकता देते हैं, क्या उनको ये स्वयं रूप का ज्ञान है क्या, या कोई अन्य देवता को पूछते हैं? तो एक चीज क्लियर है कि सारे देवतागण भगवान विष्णु के ही उपासक है। जी वो तो है। विष्णु भक्ता स्मृते देवा आश्रस्तत विपर्ययो, तो ये क्लियर है। जी। 5वें स्कंद में इसका डिटेल भी आता है, अगर आप देखेंगे 5वें स्कंद में अलग अलग देवताओं के जो लोक है,
कौन कौन किस किस भगवान की पूजा होती है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देवता लोग क्या ये सब समझते हैं? देवताओं की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको कुछ भी शक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो एक श्रेष्ठम व्यक्ति है सारे देवताओं में, वो कौन है? विष्णु। तो भगवान विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, ये सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो हो सकता है उनको ये पता ना हो कि ये भगवान है, उनको ये पता है कि ये हम सब लोगों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। किंतु देवता लोग भी हमारे जैसे हैं, उसमें से कुछ शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं, कुछ ज्ञानी भी हो सकते हैं, कुछ मिश्रित भक्त भी हो सकते हैं। तो जैसे मनुष्यों में अलग अलग श्रेणियां होती है, देवताओं में भी इंडिविजुअली हर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। जैसे ब्रह्मा जी, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, वो शुद्ध भक्त है। कुबेर हैं, कुबेर शिव जी के भक्त हैं, वो शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना? तो यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रभु जी देवलोक में भगवान विष्णु को ही मतलब मेन पूजा करते, वो लोग आराधना करते, भगवान विष्णु का ही आराधना करते, उनको ही मेन मानते, उनको मेन मानते हैं। लेकिन उनको हो सकता है ज्ञान ना हो कि ये भगवान है। अच्छा, भगवान विष्णु के ऊपर भी ज्ञान ना हो? नहीं, इतना देखिए, उनको क्या पता होता कि हम सब लोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु। विष्णु, पर ये जीव नहीं है, ये अलग है, ये साथ उनको ज्ञान ना हो। तो यह हम लोग जो कृष्ण भावन अमृत में लगे हुए जितना भी भक्तगण है, जो शुद्ध भक्त है, तो वो तो देवताओं से भी भाग्यवान हो गए फिर। हाँ, वही वो बात सही है। कुछ देवताओं में जो देवता लोग शुद्ध भक्त है वो अलग बात है, किंतु कुछ शुद्ध भक्त है वो कुछ देवताओं से अच्छे भी है। हरी हरी, ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपक रोहिरा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बोलिए प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है कि कृष्ण भावनामृत में आने के पहले मैं हनुमान जी का उपासक था और हनुमान जी को अपना इष्ट भगवान मानता था, उनकी उपासना वगैरह करता था। और कृष्ण भावनामृत में आने के पहले मेरी कुछ भौतिक इच्छाएं भी थी, तो जैसे हनुमान चालीसा में आता ना कि जो छठ बार पाठ कर कोई, तो मैंने कितनी बार वो छठ बार पाठ किए और मेरी भौतिक इच्छाएं भी पूरी हुई थी। तो ये खाली जानना चाहता हूँ कि क्या वो मेरी मिश्र भक्ति थी वो। और यहाँ आने के बाद ये भी जाना है कि हनुमान जी एक दिव्य वैष्णव भी है, मतलब परम वैष्णव है, तो इसको थोड़ा समझना चाहता था प्रभु जी। भूत पिशाच सब वह खावे, उस तरह से बहुत सारे उसमें वो दी हुई हैं। देखिए, हनुमान जी दो रोल प्ले करते हैं, एक शुद्ध भक्त का और दूसरा रोल है उनका एक देवता की तरह। देवता की तरह मतलब आप उनकी उपासना कीजिए, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो दोनों में अंतर है। जब हम हनुमान जी के पास जाते हैं भगवान राम की भक्ति मांगने के लिए, तो एक गुरु की तरह कार्य करते हैं। लेकिन जब आप अपने भौतिक इच्छाओं के साथ जाते हैं ये सोच के हनुमान जी ही भगवान है, तो फिर आप देव किसकी तरह काम करते हैं? देवता की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मा जी के उपासक हैं, पर किसकी तरह? हम ब्रह्मा जी को मानते हैं कि ये हमारे आचार्य हैं, इसलिए हमारा संप्रदाय कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय है। हिरण्यकशिपु भी उसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, पर किस तरह की? एक देवता की तरह। तो इसलिए हम हिरण्यकशिपु को ये नहीं बोलते हैं हिरण्यकशिपु हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के उपासक रहे हैं, नहीं। क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी हिरण्यकशिपु की, वो थी एक देवता की तरह। तो इसलिए दोनों पूजा में अंतर होता है, ठीक है ना? प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि हमारी बुद्धि हर ली जाती है, कि हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि क्या है, तो व्यक्तिगत हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो ये हमारी जो बुद्धि हर लेती है, तो ये माया के प्रभाव से होती है कि हमारे घोर अज्ञान के कारण होती है? हमारे अज्ञान और इच्छाओं के कारण माया हमारा वो क्या करती है? बुद्धि हर लेती है। तो प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के एक परपोट में लिखते हैं, बद्ध अवस्था में परमात्मा बद्ध जीव की के साथ पूरी तरह से कॉपरेट करते हैं। कैसे कॉपरेट करते हैं? जो इच्छा है उसको पूरा कर देते हैं। कुछ इच्छाएं इस जीवन में पूरी होंगी, कुछ इच्छाएं 10 जीवन बाद पूरी होंगी, जब आपके पास उतना पुण्य होगा। तो ये माया की गलती नहीं है, ये गलती किसकी? हमारी गलती है।
जब हम कोई इच्छा करते हैं तो माया देवी क्या करती हैं, उसकी वजह से हमको क्या करती हैं, ढक दे देती हैं और फिर हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं। जैसे एक उदाहरण आता है इसका मूवी का। जब व्यक्ति मूवी टिकट खरीदता है और थिएटर में घुसता है तो क्या होता है, पहले लाइट बंद हो जाती है, आपको भूल जाते हैं, फिर उसके बाद में वो दिखाने इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये एक्टर है, ये वो एक्ट्रेस है, तो सारे आदमी सोचते हैं कि हम लोग हीरो हैं, लेडीज सोचती है हम हीरोइन है, विलेन दिखता है ये हमारा दुश्मन है, सपोर्टिंग एक्टर ये हमारा दोस्त है। तो फिर मूवी चालू होती है और जब हीरो मारता है तो व्यक्ति को लगता है हम मार रहे हैं, और जब हीरो मार खाता है तो लगता है कि हम ही मार खा रहे हैं। उस तरह से ये सब क्या है, ये सब माया है। पर माया में घुसने की इच्छा किसने की, हमने की है ना, हमने तो मूवी का टिकट खरीदा है ना, उस तरह जीव की इच्छा के कारण ही ऐसा होता है। ओके ना। और प्रभु जी आपने जैसे बताया कि हमें डायरेक्ट भगवान की उपासना करनी थी, पर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले हम लोग भूमि थे, हम नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते थे, हम मतलब भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट पूजा नहीं करते थे, भगवान विष्णु को डायरेक्ट पूजा नहीं करते थे। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हमारी मति भ्रमित हो जाती है, चोरी हो जाता है, जैसे आपने बोला कि हमारा जो ज्ञान है वो चोरी हो जाता है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि ये भी एक तो माया का आवरण की वजह से हम ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट कृष्ण की उपासना नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये माया के आवरण की वजह से है, किंतु हम वो आवरण चाहते हैं। देखिए, भगवान से, भगवान के साथ के प्रति इतनी भक्ति होती हमारी, तो हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? हम चाहते थे कि भगवान को भूल के यहाँ पर आए, क्योंकि हमारी जो इच्छा थी भगवान को भूलने की, भगवान भुला देते हैं। वापस जब हम किसी भक्त के संग में आते हैं और हमको पता चलता है कि अरे भाई भक्ति में इतना आनंद है, तो हमारी फिर इच्छा क्या प्रकट होती है कि भक्ति करनी चाहिए। तो भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्तों के संग में आने से भक्ति करने की इच्छा होती है। इसलिए भक्ति ही भक्ति दे सकता है, कोई और भक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए भक्तों के संग में आना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम आते रहना चाहिए भक्तों के साथ में, अन्यथा क्या होता है, भौतिकवादी लोगों के साथ में रहने के कारण भौतिक इच्छाएं वापस आ जाती हैं। तो जिसके संग में रहेंगे वैसी इच्छाएं होंगी। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। उसके बाद अधीश्वर माधव प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जैसे कहा है कि देवता और जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो कोई भक्त का भी ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना कि जैसे वो पापी हो और वो पूजा करे तो ऐसा देवता प्रसन्न हो जाए उसे, वैसा तो नहीं होता, उसके भी कुछ पुण्य कर्म भी होते होंगे ना प्रभु जी, तभी देवता उसे प्रसन्न हो गए। ओके, देखो पहले मैं आपको वो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देवता लोग फटाफट प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा कुछ करके, ये आप इंडिकेट कर रहे हैं क्या? प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर देवताओं की पूजा करता हूँ, ओके, लेकिन मुझ में भी वैसी क्वालिटी होनी चाहिए ना, जैसे मैं पाप कर्म कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं देवताओं की पूजा करूँ, जो विधि विधान द्वारा शास्त्रों में यज्ञ करूँ, तो मुझे कुछ फल की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा कोई भक्त में भी ऐसी क्वालिटी होगी तभी देवता प्रसन्न होंगे ना प्रभु जी उसे? ओके, नहीं नहीं प्रभु, वो दुकानदार है, जैसा दुकानदार का उदाहरण दिया था, आप 50 रुपए दीजिए, दुकानदार आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखेगा, दुकानदार क्या करेगा, सीधे जाके आपको सामान दे देगा। उसी तरह से शास्त्रों में जो विधि विधान बने हुए हैं कि आप अंगिष्ठोम यज्ञ करिए तो ये मिलेगा, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करिए तो पुत्र मिलेगा, तो जो आप करते हैं, जैसे आप पुण्य करते हैं, मतलब उसका फायदा देवता को मिलता है जो आप यज्ञ करते हैं, और जब देवता को फायदा मिलता है वो वापस आपको सामान दे देते हैं, खत्म, दुकानदार है, कोई क्वालिफिकेशन वाली बात नहीं। इसलिए तो हम देते ना, हिरण्यकशिपु रावण की क्या क्वालिफिकेशन थी, वो तो राक्षस थे, वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, सामान मिल गया, खत्म, तो बिजनेस है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। नीरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो भी भक्त होते हैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है उनसे, वो बात तो प्रभु जी ठीक है, लेकिन अभी भगवद गीता के कोई श्लोक में ऐसा भी है कि वो जो देवताओं की पूजा करते हैं उन भक्त तो भगवान उन देवताओं में उनका मन स्थिर करते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे हम जैसे शिव जी हैं
तो हम वो देवता है उनके हम ज्यादा भक्ति करते हैं, तो पहले तो वो प्रारंभिक अवस्था में हमें वस्तुओं की इच्छा हमारी पूरी करते हैं, लेकिन फिर हम और भी ज्यादा मन यानी श्रद्धा पूर्वक जैसे जैसे भक्ति करते हैं तो वो परम वैष्णव जैसे है तो वो हमें भगवान की भक्ति देते हैं प्रभु जी। वो कर सकते हैं पर वो बाध्य नहीं है सब करने के लिए, वो उनका पर्सनल चॉइस है, वो चाहे तो कर सकते हैं, किंतु उनको जो रोल दिया गया है वो रोल करते हैं। जी प्रभु जी, यानी वो भक्त अगर वस्तु की कामना नहीं करता है और संतुष्ट हो जाता है और फिर भी वो देवताओं की भक्ति को चालू रखता है तो ये देवता ये कर सकते हैं कि वो चाहे तो भगवान की भक्ति दे। हाँ, वो कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, तो वो शिव जी कर सकते हैं, शिव जी हो सकता है प्रचार करें आपको, प्रचार करके आप, क्योंकि उनका भी वो भी चाहते हैं ना कि सब लोग भगवान के भक्त बने, वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, हमारे इस बार सिर्फ 12 लेसन बचे हैं कंप्लीट करने का। तो 22 नंबर हो गया था हमारा, 30 नंबर। अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। इसी श्रद्धा से सम्मिलित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि वो सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रबंध है। 30 नंबर पढ़ा क्या माता जी आपने? नहीं प्रभु जी, 22 बाकी है, 22 नहीं हुआ है। 22 जो हुआ नहीं। ओके ओके ठीक है, मैंने संस्कृत 23 की पढ़ी थी, कोई बात नहीं। तो क्या करिए, आप 23 का भी पढ़ दीजिए, उसके बाद में मैं समझाता हूँ। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ई हते देवताओं की पूजा करता है तो देवता क्या करते हैं, उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन देवता इच्छा पूरी कर सकते हैं तभी कर सकते हैं जब मैं देता हूं, जब मैं उनको वो सामान दूंगा तभी तो वो जाके उस उपासक को देंगे। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, ये सारी चीजें मेरे से ही आती है, ये सारे बेनिफिट्स हैं मेरे से आते हैं। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, किंतु जो आप बेनिफिट दे रहे हैं ये तो क्षणिक हैं, ये खत्म हो जाएंगे। आपके जो उपासक हैं जब वो आपके पास में आते हैं, आप उनको वो चीज देते हैं जो नित्य है, नित्य धाम देते हैं, भक्ति नित्य है, भक्ति देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, भगवान का नाम नित्य है। इन लोगों को वो चीज दे रहे हैं जो अनित्य है, क्षण भंगुर है, तो ये तो भगवान क्या है, ये इनजस्टिस है, ये ठीक नहीं है, अन्याय है ये। तो फिर भगवान ये 23 नंबर श्लोक में बताते हैं, भगवान बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेन तद भवति अल्पमेधसाम। तो वो लोग कम बुद्धि वाले हैं तो वो कहां किसके पास जाते हैं, देवता के पास जाते हैं। और जब देवता लोग ही क्षणिक हैं, उनके द्वारा दिए हुए वरदान कैसे अनंत हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं? तो उनके द्वारा दिए गए हुए वरदान नित्य तभी हो सकते हैं जब देवता नित्य होंगे। तो सारे देवताओं की जो पदवी है वो कैसी है, वो लिमिटेड होती है। जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र आदि जो देवता हैं, इंद्र चंद्र वायु वरुण, 14 बार बदलते हैं, 14 बार जो आपका डिपार्टमेंट है, कैबिनेट है, वो बदलती है। कब? ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन में। उसे ब्रह्मा जी अपने जीवन के 100 साल रहते हैं, तो ये सब पोस्ट है। जब उनका खुद का जो टेन्योर है, जो शासनकाल है, जब वो नित्य नहीं है, तो उनके द्वारा दी गई हुई चीजें कैसे नित्य हो सकती है? इसलिए भगवान बोलते हैं, लेकिन मेरा भक्त क्योंकि मेरी पूजा करता है तो मैं नित्य हूं, मेरा धाम नित्य है, मेरी भक्ति नित्य है, तो मेरे द्वारा दिए गए वरदान भी नित्य ही होंगे। तो इस तरह से उसको नित्य चीजें प्राप्त होती है। ये सिर्फ रूल है, इसमें अन्याय और न्याय वाली बात नहीं है।
आप क्षणभंगुर व्यक्ति के पास जाएंगे क्षणभंगुर चीज मिलेंगे, आप नित्य व्यक्ति के पास जाएंगे तो नित्य चीजें मिलेंगे, इसमें अन्याय की बात कहाँ पे आती है? तो ये कृष्ण ऐसे समझाते हैं। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले को छोड़िए, जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, उनकी गति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह 24 और 25 नंबर में भगवान उनके बारे में बताते हैं जो ज्ञानी हैं, जो समझते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, उनके ऊपर कमेंट करते हैं। 24 नंबर हम पढ़ेंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो माम आव्ययम अनुत्तमम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निरंकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान समझाते हैं, पहली बात तो उनको क्या बोल रहे हैं, अल्प मेरे सामने जो लोग देवता की पूजा करने वाले हैं या हित ज्ञाना बोलते हैं, उनका ज्ञान हर लिया गया या अल्प मेरे सामने, इनकी बुद्धि कैसी कम है, अल्प है, कम है। पर भगवान यहाँ के बोले अबुद्धया, पर जो ये मायावादी है ये लोग, इनकी तो बुद्धि है ही नहीं। तो कई बार हमारे भक्त लोग जब मायावादियों को गाली देते हैं तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे क्यों आप गुस्सा हो रहे हैं, अरे भगवान भक्त इसलिए गाली देते हैं, प्रभुपाद जी इसलिए गाली देते हैं क्योंकि कृष्ण भी यहाँ गाली दे रहे हैं। कृष्ण क्या बोले, आप बुद्धि है, उनकी बुद्धि नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो लोग पहले सोचते थे कि हम अव्यक्त हैं, अभी व्यक्ति रूप में आए हैं, इन लोगों की बुद्धि नहीं है। तो ये मायावादी लोग क्या समझते हैं, मायावादी लोग सोचते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है और ये जो ब्रह्म ज्योति जब सत्व गुण से इसके अधीन हो जाती है तो ये अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान भी माया के अधीन हो जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मायावादी कहते हैं, ये माया के उपासक है, कहते हैं भगवान ही माया के अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर बोलते हैं जब उसका वो रजोगुण के अधीन होता है तो जीव बनते हैं, जब तमोगुण के अधीन ब्रह्म होता है तो भौतिक वस्तुएं बनती है। इस तरह से इनकी ये फिलॉसफी है, कृष्ण उसका ये खंडन कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं ये फिलॉसफी एकदम गलत है, जो ये समझते हैं वो अबुद्धया, वो उनके पास बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिहीनता के कारण वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होता है। तो वो सोचते हैं कि जैसे मैं वसुदेव के घर में आया हूँ तो ये जो मेरा रूप है वो माया है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये लोग, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है इसलिए ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरा जो रूप है वो कैसा है, परम भावम अजानंतो, इनको पता नहीं है कि मेरा रूप कैसा है, दिव्य है, ये साधारण नहीं है। इनको पता नहीं है कि मेरे जो रूप जन्म है, कर्म है, जो मेरी लीलाएं हैं वो माया के ऊपर हैं। मम परम भावम, भाव मतलब है भाव सागर, भाव मतलब जहां पे व्यक्ति को अलग बार बार आना पड़ता है। तो जब भगवान बोले परम भाव मतलब इस भाव सागर के परे हूं मैं, मेरा बार बार जन्म नहीं होता है, बार बार मरण नहीं होता है, मेरा शरीर कैसा है, दिव्य है, ये इनको पता नहीं है। फिर मम अव्ययम, मेरा शरीर उसका कभी व्यय नहीं होता है। ये डिटेल हमने आपको बताया था कि कैसे शरीर व्यय नहीं होता है, लास्ट क्लास में बताया था, नहीं बताया? नहीं बताया। ओके, तो हमारा शरीर कैसा है, व्यय होता है, व्यय मतलब खर्च हो जाता है। हर क्षण हम शरीर बदल रहे हैं, मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी कुछ कोशिकाएं हमारी मर जाती हैं, कुछ जिंदा होती हैं। तो उस तरह से हर क्षण हम क्या हो रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं। तो हमारा शरीर एक बार खर्च होता है तो वापस नहीं आता है। जो हमारा बचपन का शरीर था क्या वो शरीर वापस आएगा, नहीं आएगा। लेकिन भगवान के शरीर क्या, वो अव्यय है, वो खर्च नहीं होते। आज कृष्ण
एक साल के या कृष्ण का जन्म हुआ है इस ब्रह्मांड में, अगले समय अगले ब्रह्मांड में होगा, फिर कई और ब्रह्मांड में होगा, फिर किसी और ब्रह्मांड में होगा। जब कृष्ण एक मिनट के होते हैं, उनका जो शरीर है वो एक मिनट के इस ब्रह्मांड में होंगे, फिर दूसरे ब्रह्मांड में होंगे, तीसरे ब्रह्मांड में होंगे, फिर चौथे ब्रह्मांड में होंगे। इस तरह से कृष्ण के जो शरीर हैं वो कैसे हैं, नित्य हैं, वो खर्च नहीं होते हैं। भले वो एक सेकंड वाला शरीर है, दो सेकंड वाला शरीर है, एक मिनट वाला शरीर है, पांच मिनट वाला शरीर है, जो भी कृष्ण के शरीर है वो कैसे हैं, नित्य हैं, वो खर्च नहीं होते, वो खत्म नहीं होते हैं। इसलिए भगवान का शरीर कैसा कहलाता है, अव्यय कहलाता है, जिसका व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है। ठीक है, ये भगवान समझाते हैं अव्ययम। और फिर अनुत्तमम, और ये कैसा, ये शरीर उत्तम है, मल मूत्र का बना हुआ शरीर नहीं है। हमारा शरीर तो मल मूत्र सब चीजों का बना हुआ है, कफ वात पित्त, और कफ वात पित्त में से कुछ भी बाहर आता है तो हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाना भी नहीं चाहिए। कुछ भी निकलता है हम साफ कर देते हैं, नाक से कफ निकलता है तो साफ कर देते हैं, कोई उसको अच्छा नहीं बोलता है। पर पूरा शरीर ही इसका बना है, कफ का बना है, वात का बना है, पित्त का बना है, इतना थर्ड क्लास शरीर है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए भगवान का शरीर कैसा है, उत्तम शरीर, सबसे अच्छा शरीर है। इस तरह से भगवान के जन्म और कर्म वो नित्य है और सर्वश्रेष्ठ है, साधारण नहीं है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अगर आपका शरीर जो अभी सारे शरीर है वो नित्य है और आपकी गुण लीला सब नित्य है, हर समय वो दिखते क्यों नहीं है, हर समय दिखने चाहिए ना, तो हर समय दिखते क्यों नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछता है। ओके, ओम प्रकाश प्रभु का भी कुछ प्रश्न है, पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हमने ये पढ़ा था कि इसमें एक स्वतंत्रता का जो बात है, भगवान ने कहा है 21 में कि भगवान एक जगह में ये बोल रहे हैं उसी श्लोका में कि कोई भी सब लोग स्वतंत्र है। जैसे यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ कि प्रश्न से जीवों को, इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अतः वो सबको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अभी उसी श्लोका में लास्ट में लिखा है कि फिर देवता दोनों, किंतु जीव तथा देवता दोनों परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वो स्वतंत्र नहीं है। मतलब एक ही श्लोक में स्वतंत्र है भी लिखा है और लास्ट में जाके नहीं भी लिखा है गुरु जी, फिर इसको मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। तो हम स्वतंत्र हैं इच्छा करने में, हम स्वतंत्र इच्छा करने में जी, और हम भगवान में भगवान पर अधीन है इच्छा की पूर्ति करने में। अच्छा जी जी, ठीक है ना, इसलिए स्वतंत्र नहीं है कहा है इसमें। तो हम स्वतंत्र भी हैं, परतंत्र भी, हम भगवान पे निर्भर करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में, उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। हम इच्छा कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, किंतु उसके बाद में उसकी इच्छा पूरी करनी है, तो भले ही देवता हो या हम है, सबको भगवान पे निर्भर होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो फिर भगवान बोलते हैं कि अगर ठीक है आपके जो शरीर हैं वो अव्यय हैं, उनका खर्च नहीं होता है, तो हर समय वो देखे क्यों नहीं जाते हैं। तो कृष्ण उदाहरण देते हैं, तो कृष्ण बताते हैं कि मैं सूर्य की तरह हूं। तो आचार्य लोग बोलते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं कि सूर्य क्या है, जैसे मान लीजिए आज यहां पर है जहां भी आप रह रहे हैं, अभी मान लीजिए टाइम है आपका 7:55, फिर कहीं और टाइम होगा 7:55, फिर कहीं और टाइम होगा 7:55, सूर्यास्त के समय लगेगा कि सूर्य मर गया है, सूर्य उदय के समय लगेगा सूर्य का जन्म हुआ है, किंतु सूर्य का ना जन्म होता है और ना ही सूर्य मरता है। सूर्य मात्र एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, घूमता रहता है, ट्रेवल करता रहता है, यात्रा करता रहता है। तो उसी तरह से हमारा जो भगवान बोलते हैं, भगवान भी
एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में अलग अलग लीला करते रहते हैं। तो इस तरह से उनकी लीलाएं कैसी है, नित्य है, ना ही भगवान मरते हैं और ना ही भगवान जन्म लेते हैं। तो ये भगवान उदाहरण देते हैं। किंतु वो क्या कहते हैं, लेकिन जीव जो है, जीव ये नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता है? वो भगवान श्लोक नंबर 25 में बताता है क्यों नहीं देख पाता। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। पढ़िए इसको। हे कृष्णा, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो लोग क्योंकि मेरी योग माया द्वारा ढके हुए हैं इसलिए वो मुझे नहीं देख पाते। तो सूर्य किरण हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो ये सूर्य की गलती नहीं है। हम बादल के नीचे आ रहे हैं इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। तो बादल सूर्य को नहीं ढकता, बादल किसको ढकता है? हम सबको ढकता। उसी तरह से योग माया की जो परत है वो हमको ढक लेती है इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते। ठीक है, तो एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात जब भगवान जब लीला करते हैं तो लीला को दो तरह के लोग नहीं समझ पाते, या भगवान की महानता को दो तरह के लोग नहीं समझ पाते। एक है शुद्ध भक्त और दूसरा है बद्धजीव, दोनों ही नहीं समझ पाते। कारण क्या है? हम लोग महामाया से ढके रहते हैं और महामाया से ढकने के कारण लोग समझते हैं कृष्ण साधारण है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त मतलब जो भगवान से लीला कर रहे हैं, वो योग माया से ढके रहते हैं। योग माया से ढकने के कारण वो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है या कृष्ण भगवान है। उसके कारण क्या होता है, भगवान के प्रति उनका प्रेम और बढ़ जाता है। यशोदा मैया कृष्ण के पीछे छड़ी लेके भाग रही है और कृष्ण बोलने लगते हैं, अरे तुमको पता नहीं मैं भगवान हूं, और तुरंत नरसिंह देव बन के आ जाते हैं। यशोदा मैया क्या होगा, ओ वहीं बेहोश हो जाएंगी, सारी लीला समाप्त हो जाएगी, लीला आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ढक देते हैं ताकि लीलाएं आगे चलती रहें। बल्कि इस तरह से ढकते हैं कि कई बार भगवान भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, तो भक्तों को मानते नहीं है। जब यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया था उखल से, तो बलराम जी वहां पे आए, बलराम जी, अरे तुमको बांध दिया, शर्म नहीं आती है, भगवान को कोई बांधता है क्या? तो बलराम जी यशोदा के पास गए, दाऊ जी जाके बोले कि अरे तुमने क्यों बांधा उसको? बोले शैतानी करेगा तो बांधेंगे। तो दाऊ जी बोले, तुमको पता है वो कौन है? बोले कौन है? बोले परम पुरुषोत्तम भगवान है जिनको तुमने बांधा है, कैसे बांध सकती हो? तो यशोदा मैया पूछने लगी दाऊ से, और तुम कौन हो? बोले मैं उनका पहला विस्तार हूं। तो यशोदा मैया बोली, सारे अवतारों को मेरे घर में पैदा होना था क्या? ज्यादा बकबक किया तो तुमको भी बांध देंगे वहीं से उखल से। तो फिर दाऊ जी आके बोले कन्हैया से, कहते हो भाई काम चलेगा नहीं, आज कुछ आर्गुमेंट होने वाला नहीं, थोड़ा मूड अलग है मैया का। तो उस तरह से कहने पे भी नहीं समझते क्योंकि वो किससे ढके, योग माया से ढके हैं। और योग माया ढकने कारण, योग मतलब है भगवान से, वो और ज्यादा जुड़ जाते हैं, और भगवान अपने आप को भी योग माया से ढक लेते हैं। किंतु उसमें अंतर है, अंतर क्या है, वो स्वयं भूलते हैं एंजॉय करने के लिए, लीला का आस्वादन करने के लिए। हमारे आचार्यगण उदाहरण देते हैं कैसे भगवान जब भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और जीव भूल जाता है कि वो कौन है, उसमें अंतर है। तो दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं, एक अंधे व्यक्ति में क्या अंतर है और उस बच्चे में क्या अंतर है जो लुका छिपी खेलता है। लुका छिपी किसने खेला है छोटे में, किसने खेला है लुका छिपी, सबको पता है। ठीक है, तो लुका छिपी जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी बच्चा बोलता है मेरी आंख में पट्टी बांधो, सर लुका छुपी नहीं जो भी बोलते हैं उसको, लुका छुपी भी बोलते हैं। तो वो आंख में जब पट्टी बांध देते हैं तो वो बच्चा क्या करता है,
बाकी लोगों को छूने का प्रयास करता है। उसने पट्टी क्यों बांधी है? दो कारणों से। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो पहला कारण है कि एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो क्या करता है, लुका छिपी खेलता है। अंधा व्यक्ति भी नहीं देख सकता है, एंजॉय करने के लिए नहीं करता है, वो तो कष्ट पा रहा है, मजबूरी है इसलिए नहीं देख पा रहा है। दूसरा अंतर क्या है, ये बच्चा जब चाहे आंखों की पट्टी खोल सकता है, अंधा व्यक्ति जब चाहे नहीं देख सकता है। दोनों में अंतर है। उसी तरह से भगवान भी अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं एंजॉय करने के लिए, और जब चाहे योग माया को हटा सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म भवन लीला में जब ब्रह्मा जी चोरी करके लेके जाते हैं, शुरू शुरू में कृष्ण दिखाते हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है, पर उनको जैसे ही ब्रह्मा जी के हृदय में इच्छा थी उनको पता चल गया था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग गोप सखाओं के रूप में, पछड़ों के रूप में विस्तार करते हैं। तो इसमें इस तरह से भगवान में और साधारण व्यक्ति में अंतर है। दूसरा उदाहरण आता है, एक कैदी में क्या अंतर है और एक राजकुमार में क्या अंतर है। तो राजकुमार भी कभी कभी अपने आप को आनंद प्राप्त करने के लिए फूल माला से बांध लेता है। आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं, कभी कभी पट्टा डाल लेते हैं, कभी फूल माला डाल लेते हैं, ना यूं करके सूंघते हैं तो समझ में आ गया वही राजकुमार है। तो ऐसे अपने आप को बांध लेता है, और जो कैदी है उसको जंजीरों से बांधा जाता है, वो अपने आप को जंजीरों से अपने आप को हरे कृष्णा, कहाँ तक सुनाई दिया था आपको? कैदी वाला जो उदाहरण था ना, वहां से मतलब राजकुमार और कैदी का ये कंप्लीट हो गया था या फिर अधूरा था? कंप्लीट नहीं हुआ था, अधूरा था, पहले से ही बताइए मुझे इसको। अच्छा, तो हमने बताया था कि राजकुमार अपने आप को कभी कभी फूल माला से बांधता है और कैदी को जंजीरों से बांधते हैं। राजकुमार एक तो पहली चीज है, इसलिए फूल माला से बांध रहा है क्योंकि उसको आनंद लेना है। कैदी को खुद से नहीं बांधना चाहता है, उसको बांधा जाता है, उसको कष्ट होता है। तो आनंद और दुख, इन दोनों का अंतर है। दूसरा अंतर है, राजकुमार जब चाहे इस फूल माला को तोड़ के फेंक सकता है, कैदी जब चाहे जंजीर को तोड़ के नहीं भाग सकता है। उसी तरह से हम लोग जब चाहे माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं, भगवान जब चाहे माया से मुक्त हो सकते हैं और अपने आनंद के लिए अपने आप को माया से ढकते हैं। योग माया समावृता। लेकिन भगवान बोलते हैं मूढ़ो यम ना भी जाना थी, जो तो मूर्ख लोग हैं वो इस बात को समझते नहीं है कि मैं माया से या वो माया, मैं माया से अपने आप को मैंने ढक लिया है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, ठीक है भगवान, आप कभी कभी आप कहीं जगह दिखते हैं कहीं नहीं दिखते हैं,
पर जो आपके नित्य धाम है, द्वारका है, वृंदावन है, यहाँ तो आप देखे जाने चाहिए, वृंदावन और द्वारका में, यहाँ पे हम नित्य रूप से क्यों नहीं देखते हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं कि क्योंकि मैंने अपने आप को योग माया ढक लिए तब भी वो मेरे को नहीं देख पाते हैं। मैं अजब हूं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है और अव्यय, मैं भौतिक जन्म और मरण से मुक्त हूं, किंतु वो क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि मैं देखा जाना नहीं चाहता हूं। जब तक भगवान अपने आप को प्रकट, अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं, हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भक्ति भाव जब होता है तब हम भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान की अप्रकट लीला वृंदावन द्वारका में हमेशा चलती रहती है, मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु की लीला चलती रहती है, किंतु जिसके अंदर वो भक्ति भाव है वो उसको देख सकता है। अद्यापि से लीला करे गौर राय, कौन कौन भगवान देखी बारे पाए। तो गौर राय चैतन्य महाप्रभु लीला करते रहते हैं, जो भगवान है वो उसको देख पाते हैं। उस तरह से भगवान के जो ये लीला है चलती रहती है, वहां हर कोई देख नहीं पाता है। कई बार लोग बोलते हैं, कहते हैं भगवान प्रकट होते तो सब लोग भक्त बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब भगवान यहाँ प्रकट हुए थे किसके रूप में? कृष्ण स्वयं आए थे, तो और भी लोग थे जो देख रहे थे। कंस देख रहा था, अगासुर पूतना सब देख रहे थे, वो तो समझ नहीं पाएगी ये भगवान है। दुर्योधन को तो भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन भी करा दिया, और विश्वरूप दर्शन प्राप्त करने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? दुर्योधन सोचने लगा कि ये कृष्ण की कोई माया है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो उस तरह से जब तक भक्ति भाव नहीं है, व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता कि ये भगवान है। जब भगवान अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते तभी व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। उसके लिए कोई, मैंने उदाहरण किसी को याद है मैरिज एल्बम का? मैंने कोई उदाहरण दिया था क्या यहाँ पे? नहीं दिया था। तो उसके लिए उदाहरण क्या आता है? उदाहरण नहीं आता है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि पिता जब तक पुत्र को अपनी लीला के बारे में नहीं बताता है, पुत्र नहीं समझ सकता है। तो एक बार हम जब छोटे थे तो अंकल जी घर में गए, सातवीं आठवीं पढ़ते थे, उनका एक छोटा बेटा था जो मेरे से भी बहुत छोटा था, दूसरी तीसरी में पढ़ता था। वो अपने पिताजी का मैरिज एल्बम बड़े ध्यान से देख रहा था। आजकल के लोग नहीं बनाते हैं मैरिज एल्बम, पहले लोग जैसे ग्रंथ रखते हैं ना, पवित्र ग्रंथों को, गीता भागवत, वैसे अच्छे से रखते थे उसको, मैरिज एल्बम को भी। तो क्या है, जीवन में एक बार राजा रानी बनने का मौका मिलता है, बाकी तो बाद में तो मिलता नहीं है, इसलिए लोग फोटोग्राफ रखते हैं, बड़े अच्छे संजो के रखते हैं उसको। तो बेटा भी ऐसे निकाल के देख रहा था मैरिज एल्बम को, एक एक फोटो ध्यान से देख रहा था। पिताजी बहुत खुश थे कि देखो हमारी शादी के बारे में देख रहा है। पूरा एल्बम जब उसने देख लिया तो सब लोग सोच रहे थे खुश होगा, वो रोने लगा जोर जोर से। ऐसा पूछ रहे, अरे भाई क्यों रो रहा है? फिर पिताजी से बोला, अरे तूने इतनी बड़ी शादी कर ली, सबको बुलाया, मैं तेरा बेटा था, मेरे को नहीं बुलाया, खुद तो घोड़ी पे बैठ गया, मुझे तेरी घोड़ी पे बैठना था, मुझे मौका नहीं दिया। और जोर जोर से रोना चालू किया, और बाकी रिश्तेदार लोग बोलने लगे कि अरे भाई तेरे पिताजी की शादी नहीं होती, तुम कहां से पैदा होते? उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी तरह से हमारे आचार्य समझाते हैं कि जब तक पिता अपने पुत्र को अपनी लीलाओं के बारे में नहीं बताता है कि पहले स्टूडेंट लाइफ में क्या किया, पहले क्या किया, बच्चा नहीं समझ सकता है। उसी तरह से जब तक भगवान अपनी लीलाओं के बारे में नहीं बताते हैं, कोई भी भगवान की लीलाओं को नहीं जान सकता है। तो मात्र शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से जब व्यक्ति भक्ति करता है और भगवान की कृपा होती है, तब हम भगवान की लीलाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अन्यथा वो योग माया का पर्दा डाल के हमेशा ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये भगवान समझा रहे। तो उस तरह से भगवान बताते हैं कैसे योग माया से ढकने के कारण ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग भी मुझे नहीं समझ पाते हैं, और लोगों के कहने की क्या बात है।
तो हम कैसे माया से दूर होके कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं? ठीक है, तो ये भगवान 26 नंबर समझाते हैं। उसके बारे में उम्र का कोई प्रश्न? उम्र का स्त्रोत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अब भी यहाँ पे लिखा है 25 में सेकंड पैराग्राफ में कि भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्मा ज्योति के अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फल स्वरूप अल्प ज्ञान निर्विशेषवादी परमेश्वर को देख नहीं पाते। यानी इसी में लिखा है कि भगवान सच्चिदानंद ब्रह्मा ज्योति के रूप में भगवान सच्चिदानंद स्वयं रूप में अगर वहां पे है, तो जो मायावादी जो लोग होते हैं जो ब्रह्मा में ब्रह्मा ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो अगर भगवान स्वयं रूप में उसी में है तो सच्चिदानंद रूप में उसी में है, तो फिर उनको क्यों प्राप्त नहीं हो सकते हो? क्योंकि वो उसकी चमक से बाहर नहीं आ सकते हैं, चमक के बाहर देख नहीं सकते हैं। तो इसमें जो श्लोक बताया हुआ है हिरण्य मरियाना पात्रेना, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो स्वयंभु मनु के तीन पुत्र थे, तीन पुत्रियां थी और दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन कौन से थे? उत्तानपाद, प्रियव्रत। तीन पुत्रियां आहुति, देवहूति, प्रसूति। तीन पुत्र, उसमें जो आकुति थी, आकुति की शादी हुई ऋषि ऋचि हैं, तो रुचि से उनकी शादी हुई। लेकिन अपनी कन्या को देते समय, कन्यादान करते समय उन्होंने बोला था, मैं अपनी कन्या को आपको दूंगा अगर आप दोनों से जो पुत्र प्राप्त होगा वो पुत्र आप मुझे दे दोगे दत्तक पुत्र के रूप में। उन्होंने बोला ठीक है करेंगे। स्वयंभू मनु ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनको पता था कि परम परमेश्वर भगवान स्वयं आने वाले हैं। तो इस तरह से यज्ञ वहां पे प्रकट होते हैं और यज्ञ को क्या करते हैं, स्वयंभू मनु अपने पास रख लेते हैं। फिर यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु स्वयं है, किंतु शायद कोई क्वालिफाइड नहीं होगा, इसलिए वो इंद्र की पदवी भी धारण करते हैं। बाद में जब कोई क्वालिफाइड नहीं होता तो भगवान स्वयं वो पदवी धारण कर लेते हैं। जैसे अगर कोई मिनिस्टर बनने लायक नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर अपने पास डिपार्टमेंट रख सकता है। तो उस तरह से भगवान इंद्र बनते हैं। और स्वयंभू मनु क्या करते हैं, स्वयंभू मनु जब वानप्रस्थ धारण करते हैं तो वन में पूजा करने के लिए जाते हैं। उस समय कुछ ऐसे राक्षस थे जिनको शिव जी से वरदान प्राप्त था कि युद्ध में कोई उनको मार नहीं सकता है, और देख रहे थे वैसे भी स्वयंभू मनु तपस्या करने आए हैं, अस्त्र शस्त्र लेके आए नहीं है, तो वो मौका देख के स्वयंभू मनु को खाने का प्रयास करते हैं। उसमें स्वयंभू मनु यज्ञ को पुकारते हैं और यज्ञ वहां पर प्रकट होकर इन राक्षसों को मारते हैं। तो शिव जी का वरदान है पर काम नहीं करते हैं वहां पर, भगवान जब चाहे उसको किसी भी वरदान को कैंसिल कर सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर वो स्वयंभू मनु के सामने प्रकट होते हैं पर स्वयंभू मनु उनको देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि तो भगवान के शरीर से बहुत सारी ब्रह्म ज्योति निकल रही थी। तो ये फिर ये श्लोक बोलते हैं, हिरण्यमयेना पात्रेना सत्यापेहिता मुखम तत्त्वम पूषण पावरणो सत धर्माय दर्शयते। हे भगवान, आपके शरीर में जो ये सुनहरे रंग की जो किरणें निकल रही हैं इसको हटा लीजिए। तो हे पोषण करता, तत्त्वम पूषण मतलब पोषण करता, तो हे पोषण करता आप इसको हटा लीजिए ताकि मैं आपके मुखमंडल का दर्शन कर सकूं। तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो इतनी प्रकाशवान है कि ये जो ज्ञानी लोग जब ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं तो उनको सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इतना प्रकाश होता है कि वो स्वयं को भी नहीं देख पाते हैं। उनको जो आत्मबोध होता है कि हम सच्चिदानंद हैं, और हमारा एक रूप भी होता है, हर किसी का एक रूप है, किंतु इतना प्रकाश होता है कि वो अपने रूप को भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए उनको कंफ्यूजन क्या होता है कि हम ब्रह्म में लीन हो गए हैं, ठीक है ना। इसलिए जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं भगवान इस ब्रह्म ज्योति को हटाते नहीं है, जब तक उसको हटाते नहीं है हम भगवान को देख नहीं सकते, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरे कृष्ण। 26 नंबर श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदेन कश्चन। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है
जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्ण। भगवान क्या बताते हैं कि क्योंकि मैं योग माया से नहीं ढका हूं, शुद्ध भक्त योग माया से ढके हैं, बद्ध जीव महामाया से ढके हैं, पर दोनों की दोनों किसकी माया है? ये मेरी ही माया है, तो मैं अपनी माया से कैसे ढक सकता हूँ? जैसे हमने बताया जब बादल आते हैं हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बादल से कौन ढका है? हम ढके हैं, सूर्य नहीं ढका है। उसी तरह से हम लोग माया से ढकते हैं पर भगवान नहीं ढकते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं सबको जानने वाला हूं पर मुझे कोई नहीं जानता। शुद्ध भक्त भी पूर्ण रूप से मुझे नहीं जानते हैं, ना शिव जानता है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो मैं सब जानता हूं। हम लोग वर्तमान में क्या हो रहा है उसको भी नहीं जानते हैं, क्योंकि शरीर में क्या क्या चल रहा है क्या हमको पता है? पता होता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने के लिए कहाँ क्या हो रहा है, कैसे पता, क्यों नहीं पता होता हमको? तो हमको ये भी पता नहीं कि शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन भगवान को वर्तमान में कहाँ कहाँ किस किस कोने में क्या चल रहा है सब पता है। तो आज तक वाले नहीं कैच कर पाते हैं, भगवान को सब पता है, आज तक वाले पूरा कैच नहीं कर सकते, सबसे आगे सबसे तेज नहीं होता है, भगवान को ही सब पता है वर्तमान का। इसी तरह भूतकाल के बारे में सब कुछ भगवान को पता है, हमको भूतकाल के बारे में पूर्ण रूप से नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमको पूर्व जन्मों के बारे में पता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चोर चोरी करने आता है, आप उसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, वो भाग के कहीं बाजार में की तरफ जाता है, बाजार में जब आप उसको पकड़ पाते हैं तो उसको पीटना चालू करते हैं, तो अगर कोई साधारण व्यक्ति देखेगा तो देखेगा क्या है भाई, इस्कॉन के भक्त कैसे हैं, किसी को भी पकड़ के पीटने लगते हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा भक्त हैं, शर्म नहीं आती है, हिंसा करते हैं, तो इस तरह से वो लोग आपको गाली देंगे। क्यों दे रहे हैं? उनको पता नहीं है कि पहले उसने क्या काम किया था, वो चोरी करने के लिए आया था। उसी तरह से इस जन्म में अगर किसी को कुछ कष्ट प्राप्त हो रहा है तो हमको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, उसको अपने पापों का परिणाम मिल रहा है, हमको भी अपने पापों का परिणाम मिल रहा है। इस दुनिया में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता है, अन्याय लगता क्यों है? क्योंकि हमको पूर्व काल के बारे में ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि कल या परसों दोपहर में क्या खाया है। कितने लोगों को ज्ञान है कि परसों दोपहर में क्या खाया था, इसको याद है? नहीं याद रहता है, तो भगवान बोलते हैं मुझे सब याद है, और भविष्य के बारे में भी भगवान सब जानते हैं। भौतिक प्रकृति के बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि भौतिक प्रकृति में सब कुछ साइकिल में चलता है। पिछले साल बारिश के बाद मौसम कौन सा आया था? सर्दी का आया था। उसके पिछले बार साल बारिश के बाद सर्दी का मौसम, इसका मतलब इस साल जब बारिश हो रही है, बारिश के ऋतु के बाद में कौन सा मौसम आएगा? शीतकाल का मौसम आएगा। तो इतना जानना मुश्किल नहीं है। और जीव के बारे में भी भगवान जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान ने इतने जन्मों से हमारा नेचर देखा हुआ है, क्योंकि भगवान ने हमारा नेचर देखा हुआ है, भगवान समझ सकते हैं कि अभी ये कौन सा काम करने वाला है। तो ये भी भगवान को लगभग समझ में आ जाता है। जैसे माता पिता को भी बच्चों के बारे में लगभग कई बार समझ में आ जाता है अब ये क्या करेगा, क्योंकि 10-20 साल से देखा हुआ है, 30 साल से देखा हुआ है। तो जब माता पिता को समझ में आ जाता है तो भगवान को समझ में क्यों नहीं आएगा? भगवान ने तो अनंत काल के जितने भी जन्म हुए हैं सबको देखा हुआ है। इस तरह से भगवान भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, सबको जानने वाले, लेकिन भगवान बोलते हैं मुझे कोई नहीं जानता है। शुद्ध भक्त भी पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जानते हैं। यशोदा मैया को पता नहीं है कृष्ण गोप सखाओं के साथ में जाके क्या क्या खेल खेलते हैं,
उनको ये पता नहीं है कि वो गोपियों के साथ में जाके नृत्य भी करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि ये जाता होगा रात को जाके नाश्ता होगा, तो सोचते हमारा भूरा वाला बच्चा क्या पता इसको। तो उस तरह से शुद्ध भक्त भी पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान बोलते हैं माम तु वेदना कश्चन, ओम प्रकाश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं आज आपको ज्यादा प्रश्न कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। प्रभु जी, अभी भगवान ने यहाँ पे कहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भूतकाल को भी भविष्य काल को भी सब कुछ जानता हूँ, तो फिर हम कभी कभी देखते हैं कि भगवत जो भगवान का जो भक्त है वो कभी कभी अपनी स्थिति से, मतलब यानी भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। वो जो भगवान तो जानते हैं कि मेरा भक्त जो है आगे जाके ये नीचे गिर रहा है, इसको ऐसा ऐसा परिस्थिति आने वाला है, तो फिर भगवान उनको क्यों नहीं बचाते? क्योंकि भक्त बाकी लोगों को तो स्वतंत्रता दी रखी है भगवान ने, लेकिन भक्त तो ऑलरेडी स्वयं को भगवान के शरण में ऑलरेडी शरणागत है, फिर भी ऐसे उच्च कोटि के भक्त लोग भी कभी कभी गिर जाते हैं, तो उनको क्यों नहीं बचाते? जैसे भरत महाराज की कथा में हम देख सकते हैं कि जब उतना सब कुछ छोड़ के पूरा राज्य को त्याग करके जब वो वन में चले गए, तो उतना होने के बाद में वो एक हिरण के ऊपर जो ऐसा स्थिति में आ गए, तो भगवान तो जानते थे कि आगे जाके इसको ऐसा होने वाला, फिर मतलब उनका भी एक उदाहरण है। जैसा हम लोग एक नॉर्मल एक भौतिक संसार में भी जो भक्त जन है वो भी ऐसे गिरने का चांसेस हम देख सकते हैं कई बार, तो ऐसा ही परिस्थिति से भगवान क्यों नहीं बचाते? दो चीजें हैं, इसके दो पहलू हैं, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला पहलू है जीव को भगवान स्वतंत्रता देते हैं। जीव क्या चूज करने वाला है भगवान को लगभग पता है, किसके कारण? नेचर के कारण, पूर्ण रूप से पता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं ना, अन्यथा स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो ये पहला पहलू है, तो लगभग भगवान को पता है लेकिन पूर्ण रूप से पता नहीं। दूसरा चीज भगवान क्या करते हैं, भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है। हमको पतन क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो छोटी है। ये आगे आएगा, जब श्लोक आएगा ना, अपचित सुर दुराचार हो, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो भक्त का भी कभी भगवान बोलते हैं कभी उसको पता नहीं होता है। भरत महाराज को हिरण के द्वारा, जब हिरण के वो संपर्क में आए तो ये सब परिणाम क्यों मिला? पहली बात तो उनको स्वतंत्रता मिली, हिरण को बचाने का काम उन्होंने ठीक ठाक किया, उसमें गलती नहीं थी। किंतु राजा होने के कारण उनके अंदर नियंत्रण करने की थोड़ी इच्छा थी। उनको क्या लग रहा था, ये हिरण मुझ पर निर्भर है, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे दुनिया भर में इतने सारे हिरण हैं, उनका भरण पोषण कौन कर रहा है? उनका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, तो क्या एक हिरण का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे? तो सुरक्षा देने के बाद वो छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ा नहीं। फिर वो क्या हो गए, भक्ति में थोड़े शिथिल हो गए, तो भगवान को वो पसंद नहीं आया कि ये शिथिल क्यों हो गया है। इसलिए उनको अगला जन्म भगवान ने किसका दिया, हिरण का दिया। अन्यथा भक्त को कभी भी अगला जन्म पशु का नहीं मिलता है। इसलिए एक ही जीवन मिला किसका, हिरण का मिला, और उसमें भी उनको पूर्व जन्म की याद थी, और उस हिरण के शरीर में भी उनको भक्ति करने का मौका दिया गया, वो हम देख सकते। और अगला जन्म फिर जब उनका जड़ भरत के रूप में आया, इतने सावधान हो गए वो कि अपने जो परिवार वाले थे उनसे भी आदान प्रदान नहीं करते थे, पागल की तरह दिखते थे। तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, वो जो ढील 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 पुल हो गई थी ना भक्ति करने में, उसको थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर दिया उन्होंने कि अच्छे से भक्ति करेगा। तो क्या होता है, हम लोग जब स्वयं की इच्छा से आगे नहीं बढ़ते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो भगवान बगल में माया देवी को थोड़ा इशारा कर देते हैं, पीछे डंडा चलाओ इसको। और जब हम कोई गलती करते हैं और माया का डंडा पड़ता है तो स्पीड तेज हो जाती है फिर से, ठीक है ना? तो भगवान बैलेंस करके रखते हैं। ये भगवान ने 27 नंबर श्लोक में बताते हैं। हाँ, तो फिर अगर मन में प्रश्न आता है
ये जो जीव हैं आप बोल रहे हैं ये माया के कारण मुझे नहीं समझ पाते हैं, माया ने उनको कब से मोहित करके रखा हुआ है, कब से मोहित करके रखा हुआ है, वो 27 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्तेना द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। पढ़िए इसको। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो सर्ग के दो अर्थ हैं, प्रभुपाद जी से यहाँ बता रहे हैं। सर्ग का अर्थ है जब जीव का जन्म होता है, जन्म लेते हुए क्या होता है, माता के गर्भ में जो जीव है, आप तीसरे स्कंद में देखेंगे जीव की जो प्रार्थनाएं आती हैं, माता के गर्भ में जीव प्रार्थना क्या करता है, भगवान बड़ा कष्ट पा रहा हूं, एक बार बाहर आऊंगा फिर आपकी पूजा करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद क्या होता है, संसार लागीलो भालो, संसार अच्छा लगने लगता है और आदमी मोह में फिर फंस जाता है, इस तरह से व्यक्ति फंसता है। दूसरा सर्ग का मतलब है सृष्टि के प्रारंभ से ही जीव मोहित होता है, तो इस तरह से सर्ग। और किसके कारण मोहित होता है, इच्छा और द्वेष। इच्छा किसकी है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, संसार को भोगने की इच्छा है। तो जो हमारे भोग के लिए हमको वस्तुएं मिलती हैं उनकी प्रति इच्छा होती है, ये मिल जाए वो मिल जाए ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। तो इस तरह से जब व्यक्ति इच्छा ही करता रहता है, चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, भगवान को भूल जाता है, उसमें डूब जाता है। दूसरा है द्वेष। द्वेष किन की प्रति है, द्वेष प्रति होता है जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधक बनते हैं। जैसे हमको मान लीजिए ओम प्रकाश प्रभु अभी बताइए आपको खाने में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है, खाने में पर सब्जी, सब्जी सब्जी वेजिटेबल, वेजिटेबल कौन सी वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल जी। और कौन सी चीज सबसे खराब लगती है खाने में, करेला 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 अच्छा नहीं लगता। क्या होता है, साधारणता आप खाने के लिए बैठते हैं तो भाव क्या रहना चाहिए, अरे कृष्ण ने ग्रहण किया है, प्रसाद है, तो भक्ति भाव के साथ खाना चाहिए। लेकिन जब भी मिक्स सब्जी सामने आती है तो इच्छाएं क्या करती हैं, मन को ढक देती हैं, फटाफट खाना चालू कर देते हैं, कभी कभी तो प्रार्थना भी नहीं बोलते हैं महाप्रसाद गोविंद, और कभी कभी बोलते हैं तो मुंह में रह जाती है वो, माँ क्यों मिक्स सब्जी आई है। और जब करेला आता है तो दिमाग इतना खराब हो जाता है कि उस समय भी भगवान की याद नहीं आती है, तो ये नहीं बोलते महाप्रसाद, बोलते हैं बोलते क्या बना दिया है, हटाओ उसको यहां से, माता जी को बोलते हैं वो क्या बना दिया फालतू का, अरे माता जी बोलती है कि अरे भाई ये तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद आपको दिख नहीं रहा है, कैसे देखेगा, इतना द्वेष है इसकी प्रति करेले के प्रति। उस तरह से हर व्यक्ति इच्छा और द्वेष से बंधा हुआ है, जो करेले का हमने सब उदाहरण दिया, इस तरह से व्यक्ति उसमें इतना ज्यादा डूब जाता है कि फिर वो भगवान के बारे में नहीं देख पाता। और ये किसके कारण होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का कारण, पूर्व जन्म में हमने जो भी खाया हुआ है नहीं खाया हुआ है इन सबके कारण क्या होते हैं, मन में कुछ इंप्रेशन आते हैं, इसको बोलते हैं संस्कार। तो उन संस्कारों के कारण हम इच्छा और द्वेष से बंधे रहते हैं। तो उस तरह से इच्छा द्वेष सुख दुख सर्दी गर्मी से जब व्यक्ति बंधा रहता है, द्वंद्वों का बंधा रहता है, मोह में फंस जाता है, और मोह में फंसने के बाद क्या होता है, सम्मोह होता है, किसकी प्रति, आध्यात्मिक ज्ञान की प्रति सम्मोह हो जाता है, सही क्या है गलत है क्या है व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पाता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, वो ये नहीं देख पा रहा है कि यहाँ पे कृष्ण का हाथ है। तो ये तो भक्त बनने के बाद की बात है कि इच्छा द्वेष में गड़बड़ हो जाता है,
कई लोग भक्ति इसलिए ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि इच्छा देश इतना ज्यादा होता है कि पहली स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। तो ये जो भक्ति में व्यक्ति नहीं कर पा रहा है वो किसके कारण है? इच्छा और द्वेष के कारण है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि तो भक्ति कौन कर पाता है, कैसे कर पाता है, कैसे क्वालिफाइड हो पाता है? अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, आप तो बोल रहे बड़ा मुश्किल है भाई, शुरुआत से हो रहा है, इच्छा द्वेष में फंसा हुआ है, कोई भक्ति कर पाता है कि नहीं कर पाता है? कब कर पाता है? भगवान 28 नंबर श्लोक में समझाते हैं। ये साम त्वियंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या समझा रहे हैं? पुण्य कर्मणाम, तो ये जो पुण्य है ये साधारण पुण्य नहीं है। ये पुण्य कौन से हैं? ये आध्यात्मिक पुण्य है जिसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति का मतलब क्या है? वो सुकृति जो अनजाने में प्राप्त की गई है। तो होता क्या है, मान लीजिए हम किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, कोई घर हमको पता नहीं कि ये घर कहां पे है, इस घर में प्रोग्राम होना है। कोई व्यक्ति रास्ते में मिलता है, हम उसे पूछते हैं कि ये घर कहाँ पे है, वो बताता है कि देखिए सीधे जाइए बाएं तरफ मुड़िए, वहां जो लाल रंग की बिल्डिंग मिल रही है उसमें चौथे फ्लोर पे है। उस व्यक्ति ने प्रोग्राम करने में मदद की, लेकिन कैसे की? अनजाने में की। उसको जो प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। हम जाके प्रसाद देते हैं, बोलते हैं आज हमारा बर्थडे है प्रसाद लीजिए, आदमी खाता है उसको अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि प्रसाद है, उसको तो कई बार पता भी नहीं कि प्रसाद है, उसको लगे भाई अच्छा खाने की अच्छी वस्तु है खा लेता है। अनजाने में सुकृति प्राप्त होती है, अज्ञात सुकृति। कोई हरि नाम सुनता है, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, हमारे जब IIT में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा एक फ्रेंड था, तो कुछ तो जैज बोला, मेटेलिका बोला, कुछ तो बोला, मुझे इतना पता नहीं है इंग्लिश म्यूजिक कौन कौन सा होता है। तो बोला कि हम इस्कॉन मंदिर में गए, वो म्यूजिक हमको बड़ा पसंद आया। तो मेरे को भी समझ में आया कि भैया ये कौन सा म्यूजिक बने लगा इस्कॉन मंदिर में। तो बाद में समझ में आया वो गोविंदा माधी पुरसाम अटेंड करके आया था, तो उसको म्यूजिक पसंद आया, तो क्या हुआ? अज्ञात सुकृति मिल गई, क्योंकि कम से कम भगवान का नाम गया ना कान के अंदर। उस स्वीकृति के कारण व्यक्ति के अंदर भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होता है। भक्ति का आकर्षण होने से व्यक्ति और सुकृति करता है और आकर्षण जागृत होता है, और जब आकर्षण बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो भक्ति की पहली श्रेणी में आता है जिसको बोलते हैं आदो श्रद्धा। इस तरह से भक्ति की शुरुआत होती है। उस श्रद्धा के कारण व्यक्ति क्या करता है, फिर भक्तों के संग में जाता है, क्योंकि अभी गुरु साधु शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो साधुओं के साथ में संग करेंगे, जाएंगे साधुओं के साथ में बैठेंगे, तो साधु संग चालू होता है, लोग प्रोग्राम में आना चालू करते हैं, साधु संग होता है। उसके बाद क्या होता है, साधु लोग बोलते हैं जप कीजिए, भजन क्रिया प्रारंभ होती है। भजन क्रिया प्रारंभ होने के बाद क्या होता है, फिर व्यक्ति को हृदय में जो काम क्रोध लोभ ये सब हैं, मद मत्सर, ये सब के सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, और जब ये लगभग खत्म हो जाते हैं तब व्यक्ति निष्ठा की स्टेज में आता है। उसको बोलते हैं दृढ़व्रता, जिसको भगवान यहां बोल रहे हैं ना भजन्ते माम दृढ़व्रता। तब तक क्या होता है, तब तक हमारी जो भक्ति वो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी जोश आता है कभी बेहोश हो जाते हैं, खासकर नए लोगों में हमने देखा हुआ है, नए लोग आते हैं शुरू शुरू में कभी कभी वो मंगल आरती के 2 घंटे पहले ही आ जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, क्योंकि मंगल आरती करने का बहुत उत्साह है,
फिर आप देखेंगे 2 हफ्ते के लिए गायब है, पता नहीं चल रहा है कि प्रभु जी जीवित हैं नहीं हैं, परलोक से धर गए हैं, पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जितना जब तक अनर्थ रहते हैं उसके कारण व्यक्ति जोश बेहोश में डूबा रहता है, कभी जोश आता है कभी बेहोश हो जाता है व्यक्ति में। तो उसमें क्या है, वो स्टेडीनेस नहीं रहती है, वो दृढ़ता नहीं रहती है। दृढ़ता आती है जब व्यक्ति निष्ठा की स्टेज पे आता है। तो वो भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो जब शुद्ध भक्त भगवान के जो हैं या जो भगवान के भक्त हैं वो यहाँ वहां घूम के अज्ञात सुकृति व्यक्ति के लिए उत्पन्न करते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, सत्वगुण बढ़ता है और तमोगुण का नाश होता है। और जब तमोगुण कम होता है तो उससे माया का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। जब माया का प्रभाव कम होता है व्यक्ति इन संसार की चीजों से थोड़ा उसकी वो उसकी आसक्ति कम होती है, वो आसक्ति कम होने को हमारे भक्तों के साथ में करने का। तो ये सब किसके कारण होता है, अज्ञात सुकृति के कारण होता है। तभी तो आप लोगों से किसी से जाके पूछिए तो ये लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है, मूवी के लिए आपके पास टाइम है, क्रिकेट देखने के लिए आपके पास टाइम है, गपशप करने के लिए टाइम है, किटी पार्टी जाने के लिए आपके पास टाइम है, भक्ति करने के लिए टाइम क्यों नहीं है, कि उन चीजों में इतने आसक्त हैं कि टाइम ही नहीं बचता कृष्ण के लिए। लेकिन जब सुकृति बढ़ती है, तमोगुण धीरे धीरे करके कम होता है, संसार की चीजों से आसक्ति छूटती है, तब टाइम मिलता है किसके लिए, भगवान के भक्तों के साथ में संग करने के लिए, उनके साथ में साधु संघ में बैठने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे हमने बताया आगे एक एक करके व्यक्ति और जब शुद्ध होता है तो द्वंद्वों से मुक्त होता है, और द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण दृढ़ता के साथ में भक्ति चालू करता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। दीपक प्रभु पूछे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सुकृति किस तरह बढ़ती है? सुकृति आप भक्तों के संपर्क में आते हैं, भगवान के संपर्क में आते हैं, प्रसाद के संपर्क में आते हैं, हरि नाम के संपर्क में आते हैं, और इनके संपर्क में आने के कारण जब व्यक्ति का इनकी प्रति थोड़ी रुचि बढ़ती है या एप्रिसिएशन बढ़ता है, प्रसाद आ रहा है कितना अच्छा प्रसाद है, भगवान का दर्शन कर रहा है अरे कितना सुंदर सजाते हैं इस्कॉन वाले, भक्त के संपर्क में आते हैं भक्तों का कितना अच्छा व्यवहार है, आप तो जब भी किसी भक्त के संपर्क में आता है और उसको कुछ पॉजिटिव इंप्रेशन उसके मन में आते हैं तो सुकृति प्राप्त होती है। इसलिए हमारे भक्त लोग जाते हैं ना हरिनाम करने के लिए बाहर, हरिनाम करते हैं क्यों करते हैं, सुकृति बढ़ेगी, जो भी आसपास में आता है संपर्क में आता है हरि नाम की ध्वनि से उसको सुकृति मिलती है। प्रसाद वितरण करते हैं, फूड फॉर लाइफ करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोगों की सुकृति बढ़ेगी, इस तरह सुकृति बढ़ती है। ठीक है ना प्रभु जी, इसमें हमें भी हमारा कुछ परिश्रम करना चाहिए? हाँ हम भी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, उससे सुकृति बढ़ेगी और धीरे धीरे करके लोग भक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। लोकनाथ महाराज, लोकनाथ पूरे महाराज पूरे इंडिया में घूमते हैं अपना बैलगाड़ी लेके, क्यों घूमते हैं, लोग हरिनाम सुनेंगे आकर्षित होंगे। हाँ तो सारे मंदिरों में आप देखेंगे कि इस तरह से चलता है कुछ ना कुछ प्रोग्राम। ठीक है ना, नंद कुमारपुर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। मेरा क्वेश्चन भी दीपक प्रभु जी के क्वेश्चन से रिलेटेड ही है प्रभु। तो प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं कि सुकृति अज्ञात सुकृति बढ़ती है, तो अज्ञात सुकृति के लिए जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने तो कभी ऐसे कभी इच्छा करी नहीं कि मैं भगवान के बारे में जानूं या फिर कोई इस तरीके से हो, लेकिन भक्तों ने ही अपने आप से आके कभी प्रसाद दिया, कभी भगवान के बारे में बताया या फिर कभी भगवान के बारे में बुक मिली उसको पढ़ा, तो उसको हम लोग किस तरीके से समझे? मेरी तो कभी इच्छा थी नहीं वो, लेकिन वो अज्ञात सुकृति में आ गया क्योंकि भक्तों ने ऐसा चाहा, तो उसको कैसे समझेंगे क्योंकि मेरी तो कभी इच्छा हुई नहीं उस तरीके से। नहीं देखिए, शुरुआत में इच्छा नहीं है क्योंकि आपको जब भगवान के बारे में पता नहीं है तो इच्छा कैसे होगी,
तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्तों ने आपको प्रसाद दिया, आपको अच्छा लगा, आपने वाह क्या प्रसाद है, तो आज्ञा स्वीकृति बढ़ी। तो फिर और इच्छा हुई भक्तों के संपर्क में आने की, फिर भक्तों ने बुक दी आपको प्रभुपाद की, और आपने जब बुक पढ़ी तो पहली बात आपने, उन्होंने बुक को क्या किया, बुक की तारीफ की, ये किताब बहुत अच्छी है, ये परंपरा में आती है, तो उसे क्या हुई, अज्ञात स्वीकृति हुई। फिर आपने बुक पढ़ी, बुक पढ़ने से क्या हुआ, और भक्ति की प्रति क्या हुआ, जो आपकी आपका एप्रिसिएशन है और बढ़ा। तो बढ़ते 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 ऐसे जब वो एक लेवल तक आ जाता है तब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं। ठीक है नंद कुमार जी, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। तो प्रभु जी इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भक्तों की मर्सी के ऊपर ही ये पूरी भक्ति का निर्भर करता है, श्रद्धा जो है वो डिपेंड करती है। इसलिए हमने बताया ना, भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्तों के हृदय में जो भक्ति होती है उसके कारण भी हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, और उस करुणा के कारण भक्त लोग क्या करते हैं, हरिनाम वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, उससे जीवों को भक्ति करने का मौका मिलता है। तो जिसके संग में हम रहेंगे उसकी इच्छाएं हमारे हृदय में आ जाती हैं, इसलिए हमको बोलते हैं ना कि भक्तों के संग में रहना चाहिए। जाने अनजाने में हम जिसके संग में रहते हैं उसकी इच्छाएं आ जाती है, तो भक्तों के संपर्क में आएंगे, उनके संग में रहेंगे तो वैसी इच्छा आ जाती है। ठीक थैंक यू। तो हमारा 28 हो गया, अब 29 नंबर श्लोक, दूसरों पर बचे। तो फिर भगवान बताते हैं, अभी 29 नंबर श्लोक में भगवान एक और भक्त के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान ने अभी तक तीन तरह के सकाम भक्तों के बारे में बताया, वो कौन कौन है, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, जो कि कर्म मिश्र भक्त हैं, और एक ज्ञान मिश्र भक्त के बारे में बताया जो ज्ञानी है, तो इसके बारे में बता दिया। और योग मिश्र भक्त के बारे में भगवान बताएंगे अगले चैप्टर में। अभी भगवान किसके बारे में बताने वाले हैं, अभी भगवान एक और भक्त के बारे में बताने वाले हैं। ये भक्त बोल भी सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, उनसे समझ लो। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित ये तंति ये चेत ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिनम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वो वास्तव में ब्रह्मा है, क्योंकि वो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। भगवान बोलते हैं कि जो लोग जरा और मृत्यु मोक्षाय यतंती, मतलब इस संसार की कष्टों से जो मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है, मोक्ष कामी लोग हैं, जरा मरण मोक्षाय, किंतु ये मोक्ष चाहते हैं, इन सब से मुक्ति चाहते हैं, मतलब ये ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और ये जीव के बारे में जानते हैं कि जीव कौन है, अध्यात्म, कर्म के बारे में जानते हैं कि कर्म के कारण बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त होती है, कर्म के बारे में जानते हैं, चा आखिनम, तो इस तरह से इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, और इन सब को जानने की वजह से वो भक्ति भाव के साथ मेरे पास आते हैं। तो ये मोक्ष कामी भक्त हैं, जो कि मोक्ष चाहते हैं। इनको भक्त इसलिए भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं, मतलब ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मवादी हैं बेसिकली, लेकिन ये ब्रह्म में लीन होने के लिए किसके पास आ रहे हैं, कृष्ण के पास आना और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। बाकी जो ज्ञानी हैं वो स्वयं से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, पर ये व्यक्ति भी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्मलीन होना चाहता है, लेकिन किसके पास आ रहा है, कृष्ण के पास आ रहा है और श्रवण कीर्तन करता है, वो भी हमारे जैसे चैंटिंग करता है, कीर्तन करता है, पर किसको प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए। उसके लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान 30 नंबर श्लोक में बताते हैं।
साधि भूतादि देवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। पढ़िए इसको। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि उनके अंदर कुछ भक्ति भाव आ गया है, वो जानते हैं कि कैसे आदि देव आदिभूत ये सब मैं ही हूं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान शुरुआत में ही उसको डिफाइन करने वाले हैं, आदि देव आदि भूत आदि आदि को इस तरह से, क्योंकि वो जानते हैं। तो क्या होता है, बिना किसी परिश्रम के, परिश्रम मतलब अलग से कुछ परिश्रम किए हुए, ये मरने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। बाकी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग ब्रह्म की प्राप्ति का कठिन साधन है। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है, पहले व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है, निष्काम कर्मयोग करने के बाद में जब क्वालिफाइड हो जाता है ज्ञान मार्ग के लिए, मतलब उसका क्वालिफिकेशन है कि कर्तव्य अभिमान से मुक्ति होनी चाहिए, कर्तव्य अभिमान से मुक्ति होने के बाद वो ज्ञान मार्ग का पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, साथ में भक्ति भी करनी पड़ती है। भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी भक्ति करता है, इसकी ऐसा नहीं करता है। वो करने के बाद में जब समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसका बोध हो जाता है, तब व्यक्ति को ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है, और ज्ञान छोड़ने के बाद में फिर वो ब्रह्म में लीन होता है। तो बहुत परिश्रम होता है। ये व्यक्ति सिर्फ भजन कीर्तन करता है और ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करता है और ब्रह्म लीन हो जाता है। इसके लिए ब्रह्म में लीन होना आसान है, किंतु ये वैसा भक्त नहीं जैसे हमारे जैसा, ये थोड़ा सा अलग है। उर्वशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में 29 में लिखा हुआ है कि ब्रह्म, ये जो ब्रह्म शब्द लिखा हुआ है वो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा, वे वास्तव में ब्रह्म होते हैं? हमने जो वो तीन भगवान के तीन रूप स्वरूप को दिखा कि ब्रह्म, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, और यहाँ लिखा हुआ है कि वे वास्तव में ब्रह्म है, ये जीव के लिए ब्रह्म शब्द यूज किया गया। एक्चुअली ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, और जब कुछ भी आध्यात्मिक है और आप क्लियरली उसका डिटेल नहीं बताना चाहते हैं तो सिंपल चीजें ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे जगन्नाथ जी को बोलते हैं दारू ब्रह्म, तो दारू पीने वाले दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी, और ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, तो इसलिए जगन्नाथ को भी दारू ब्रह्म कहते हैं। गंगा को बोलते हैं द्रव्य ब्रह्म, द्रव्य मतलब लिक्विड, द्रव्य पदार्थ हो गया, और आध्यात्मिक गंगा इसलिए द्रव्य ब्रह्म कहते हैं, उसको ब्रह्म बोल देते हैं। उसी तरह से जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, कि ब्रह्म ज्योति एक्चुअली ब्रह्म ज्योति जो है वो जीवों की बनी हुई है। ब्रह्म ज्योति जीवों की बनी हुई है, छोटे छोटे जीव इकट्ठे होके ब्रह्म ज्योति बनाते हैं। इसलिए व्यक्ति जब ब्रह्मलीन होता है उसको लगता है कि हम भगवान बन गए, क्योंकि उसको सब जगह कौन देखता है, चमकती हुई जीव राशियां ही दिखती हैं, तो उसको लगता है हम क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो इंग्लिश में अभी मैं साइंटिफिक है थोड़ा सा, अभी कितना समझ में आएगा मालूम नहीं, लेकिन जो सनलाइट होती है वो फोटॉन्स की बनी होती है, छोटे छोटे फोटॉन्स की, मॉडर्न साइंस के हिसाब से। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति छोटे छोटे जीवों की बनी होती है, इसलिए जीव को भी कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उस ब्रह्म को यहाँ बोला गया कि वो ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अभी वो पूर्ण रूप से शुद्ध है और उनके अंदर
उनके ऊपर, अंदर नहीं ऊपर, उनके ऊपर कोई भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो उसको ब्रह्म कह सकते हैं। ठीक है, और वैसी माता जी, तो भगवान के जो आजू बाजू में जो ज्योति है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, वो क्या जीव है? वो जीव है। तो मैं भी थोड़ा शौक हो गया जब मैंने प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ा था, मैं भी बोला अरे बाप रे, तो बड़ी भयानक चीज है। लेकिन जीव सर्वगता है, जीव सब जगह है, तो ये आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। इस शरीर के अंदर भी बहुत सारे जीव हैं, हमारे शरीर के अंदर हर कोशिका सेल, हर कोशिका में एक एक जीव है। हम प्रधान जीव हैं शरीर के, पर शरीर में भी बहुत सारे जीव हैं। तो जब ऐसा है तो ब्रह्म ज्योति में जीव है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर परमात्मा विराजमान है, वो इसी तरह से है जैसा कि वो गोलोक वृंदावन में भगवान है और उसके आजू बाजू जो ज्योति है उनका प्रकाश है, तो वो भी हमारे अंदर भी हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि ज्योति है, हमारा आत्मा जो है वो प्रकाशमय है, उसके अंदर परमात्मा भी विराजमान है, तो वो भी ऐसा ही समझ सकते हैं। हृदय के हृदय में भगवान विराजमान है, तो हम भी हमारे अंदर बहुत सारी चीज, लेकिन हम लोग हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा में परमात्मा भी विराजमान है। नहीं, आत्मा में परमात्मा विराजमान नहीं होते हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा जा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि आत्मा भगवान आत्मा से भी छोटे हैं, अड़ियों और अड़ियान, ये अभी आगे आएगा श्लोक, लेकिन भगवान आत्मा के बगल में स्थित होते हैं हृदय में। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है अंगुष्ठ मात्रम अमलम, भगवान अंगूठी के साइज के हैं और वो हृदय में आत्मा के बगल में विराजमान होते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश प्रभु का ये और समझ नहीं पाया, अरविंद राजपूत ने प्रश्न पूछा मेरे को, ये ओमराजपुर ने जो ओम प्रकाशपुर ने प्रश्न पूछा था कि भगवान हमारे बारे में जानते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, तो हम क्या इच्छा करने वाले हैं वो नहीं जानते हैं, और वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि भगवान स्वतंत्रता हमको देते हैं, तो ये सही बात है। तो जीव अगले क्षण क्या इच्छा करने वाला है भगवान लगभग जानते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं जानते। लगभग क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारा जो पुराना नेचर आया है, नेचर को भगवान जानते हैं, ये पूर्ण रूप से इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि अगर वो कोई नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ बदल सकता है तो अच्छी बात है, नेचर के अगेंस्ट में जाके कोई भक्ति ग्रहण कर सकता है, अच्छी बात है। इस तरह से पूर्ण रूप से नहीं जानते पर जानते हैं। ठीक है, अरविंद राजपुर, ओके, उत्तर तो नहीं आ रहा है। दीपक प्रभु पूछिए अपना प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी 30 नंबर श्लोक के जो अनुवाद में बताया था पहली लाइन में, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विजयों का नायक जानते हैं, तो प्रभु जी ये मैं समझना चाहता हूँ कि यहाँ जो बता, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, पूर्ण चेतना में रहकर, इसी तरह समझना चाहता हूँ ये किस प्रकार की चेतना होती है, ये क्या है, मतलब पूर्ण चेतना कैसे होती है? पूर्ण चेतना का मतलब है कि व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से नहीं ढका हुआ है, व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से नहीं ढका हुआ, उसको पूर्ण चेतना बोलते हैं। ये पूर्ण चेतना का मतलब क्या है? कंफ्यूजन नहीं है। तमोगुण के कारण अज्ञान होता है, अज्ञान के कारण भगवान के बारे में भी कंफ्यूजन होता है। जैसे भगवान सर्व जगह व्याप्त है, क्या आप सब जगह उनको देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते प्रभु जी। हाँ, तो ये पूर्ण चेतना नहीं हुई। पूर्ण चेतना मतलब हर समय आप चीजों को भगवान से कनेक्टेड कैसे देख पाते हैं, उसको पूर्ण चेतना कहते हैं। तो हर चीज भगवान का ही अंश है ना, ये अभी आगे जो हमारे अध्याय आएंगे उसमें हम देखेंगे। भगवान ये यद विभूति मत सत्तम श्रीमद उचितम एवा, जो हर चीज है उसको ऊर्जा मैंने दी है, ये सब मेरे ही ऊर्जा है, मेरा ही शक्ति है, तो वो हम नहीं देख पाते, इसलिए इसको पूर्ण चेतना नहीं कहते। ठीक है ना,
तो प्रभु जी जैसे कि मैं हर जगह वो परमेश्वर को नहीं देख पाता हूँ, जैसे कि मेरे को नाम रूप दिखाई देता है कि जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ या ओम प्रकाश प्रभु को देख पा रहा हूँ या उर्वशी माता जी को देख पा रहा हूँ, तो मैं उनको उनके भौतिक स्थिति से देख रहा हूँ, मतलब उनमें जो तत्व है आत्म तत्व है परमेश्वर का जो तत्व है उनको नहीं देख पा रहा हूँ। तो हाँ वही 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 बात बता रहे हैं, उसी को पूर्ण चेतना का मतलब क्या है, आप हर चीज को भगवान से कनेक्टेड देख पाते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर आप प्रभुपाद जी का चश्मा देखते हैं तो आपको क्या याद आएगा चश्मा देख के? मैं प्रभुपाद जी का चश्मा देख रहा हूँ। हाँ, तो चश्मा देख के आपको कौन याद आएगा? प्रभुपाद जी याद आएंगे। हाँ, प्रभुपाद जी के जूते देखेंगे तो किसको कौन याद आएगा? प्रभुपाद जी याद आएंगे। उस तरह से जो पूरी सृष्टि वो भगवान की ही है, तो वो कनेक्शन आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से चेतन नहीं है। पूर्ण रूप से चेतन होने का मतलब है हम हर चीज को भगवान के अंश के रूप में देख पा रहे हैं। तो प्रभु जी इस वृत्ति को हमें डेवलप करना चाहिए या ऐसी वृत्ति को डेवलप करना रहता है कि ये स्वाभाविक रूप से आना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर वो आ जाता है। इसलिए जब भी हम कुछ सेवा करने जाते हैं, सेवा करने के पहले प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? कि कम से कम कनेक्शन देख पा रहे हैं हम लोग कि भगवान अभी मैं बाहर कमाने जा रहा हूं, कमाने की शक्ति आपने दी है और मैं कमाने जा रहा हूं ताकि आपकी सेवा कर सकूं, और परिवार में जो मेरे लोग हैं वो या तो भक्त हैं या फिर उनको मैं प्रचार करने वाला हूं, उसके लिए मैं कमाने जा रहा हूं। इस तरह की जब चेतना होती है और फिर आप कमाने जाते हैं तो वो भौतिक नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है? सेवा बन जाती है। जब आप स्नान कर रहे हैं, स्नान अपने आप में भक्ति का कार्य नहीं है। अगर स्नान भक्ति का कार्य होता तो भैंस शुद्ध भक्त होती, भैंस दिन भर तलैया में नहाती रहती है। लेकिन जब हम नहाते हैं ताकि हम भगवान की पूजा कर सके, शुद्ध हो सके, तो स्नान करना कैसा हो जाता है? भक्ति में हो जाता है। तो ये स्वतः खुद से अभी हमारे पास नहीं आता है, इसको डेवलप करना पड़ता है। नहाने से पहले थोड़ा सा याद रखना चाहिए अभी हमको नहाना है, क्यों? मंगल आरती में जाना है या जप करना है, तो वो जब याद रहेगा तो आध्यात्मिक चेतना आती है, तो वो प्रैक्टिस होती है, इसी को बोलते हैं साधना भक्ति। जब करते समय कम से कम याद रखिए कि ये जो भगवान का नाम है, भगवान से अभिन्न है, अभी मैं जप करने जा रहा हूं, वरना जप करते करते कई बार भक्तों को फीडबैक भी नहीं देखना चाहते, पीछे रख देते हैं, तो वो जप नहीं है। जप ना ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि ये जो नाम है भगवान से अभिन्न है, तो इसको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, हमारी अभी स्थिति तो इस प्रकार है कि हम तो इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और कितनी बार अपने स्वभाव के कारण, उसके स्वभाव के वश होकर हम कितनी बार किसी से राग कर बैठते, किसी से द्वेष कर बैठते हैं और ईर्ष्या कर बैठते हैं, काफी सारा ये हो जाता है। तो अभी ये तो भक्ति शास्त्री कोर्स दिया हुआ है ना, श्री भक्ति शास्त्री कोर्स है, तो आपका इंजन चालू करिए। तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो हर लोग अपने अपने स्थिति में प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने बोला था हमारा जीव का अंदर भी बहुत जीव रहता है बोल के, ये मैंने कभी भी नहीं सुना था प्रभु जी। लेकिन अगर जीव का अंदर बहुत जीव हो गया तो उसका अंदर भी परमात्मा होना चाहिए ना, ये कैसे संभव? मैं जीव नहीं, मैं बोलूं इस शरीर के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं। शरीर तो ठीक है, शरीर का अंदर, अच्छा शरीर का अंदर भी और जीव रहता है। हाँ, हर सेल में हमारी हर सेल कोशिका सबके अंदर जीव है, इसलिए हमारी कुछ बोलते हैं लिविंग सेल डेड सेल, कहाँ से आता है? तो लिविंग सेल डेड सेल होती है ना। हाँ। तो लिविंग जो सेल है वो उसके अंदर जीव है, डेड सेल के अंदर जीव नहीं है। पर वो जो लिविंग सेल है उसको क्या लगता है कि मैं ही ये सेल ही हूं, उसको ये नहीं लगता मैं पूरा शरीर हूं, उसको क्या लगता है मैं सेल हूं। पर उस सेल के अंदर भी क्या होता है, एक परमात्मा होता है। ठीक है ना। लेकिन,
एक एक जीव आने के टाइम में बहुत तकलीफ होता रहता है जीव को, शरीर का अंदर, शरीर शरीर में, वैसे भी सेल्स को भी ऐसा होता है? हाँ होता है, उस जीव को भी कष्ट होता है। उसको अगर मान लीजिए तापमान के हाई टेम्परेचर में आप बाहर एक्सपोज कर रहे हैं, उसको भी दर्द होगा, उसको भी आता है, उसको भी कष्ट मिलता है। ये क्या है, ये जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज है ना, टीडी सिंह, जिन्होंने ये प्रभुपाद साथ कन्वर्सेशन किया। तो वो जब मैं आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था तो पहले 2 साल महाराज कई बार आए आईआईटी में क्लास वगैरह देने के लिए, तो वहाँ ये महाराज ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों से, वहाँ से पता चला। नहीं फर्स्ट टाइम सुना है प्रभु जी, इसीलिए मैंने पूछा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी मैं क्या करूंगा, अरविंद राज प्रभु आपको क्या समझ में नहीं आया? आपने लिखा है आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, अरविंद राज प्रभु है, अरविंद राज प्रभु ओके थैंक यू, थैंक यू भी आ गया, समझ में आ गया लगता है। ओके ओम प्रकाश प्रभु पूछिए। कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी आपने ऑलरेडी बताया, ये जो अभी कुछ देर पहले बताए थे ना श्लोका में, कृष्णा के शरीर खर्च नहीं होते, और उसके बाद में आपने एक बताया थे कि भगवान श्री कृष्ण उसके बाद एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते, उसके बारे में थोड़ा सा समझ नहीं पाया था प्रभु जी ठीक से, कैसे मतलब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में कैसे जाते, मतलब 1, 2, 3 ऐसा करके कुछ बता रहे थे तो मैं ठीक से नहीं समझ पाया उसके, प्रभु जी थोड़ा सा बता देंगे क्या? अभी आप कहाँ पर बैठे हुए? मैं अभी घर पे बैठा हूँ। मतलब घर कहाँ पे? शारजा में, यूएई शारजा में। हाँ शारजा में जी, शारजा में अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 7:30 हो रहा है प्रभु जी, 7:30 हो रहा है। तो पहले 7:30 इंडिया में हुआ जी, फिर अभी कहाँ हुआ? शारजा में, उसके बाद में कहीं और 7:30 होगा, फिर कहीं और 7:30 होगा, फिर कहीं और 7:30 होगा, ठीक है ना? तो सूर्य के जाने के साथ में कहीं कहीं टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि सूर्य अलग अलग जगह उदय होता है और अस्त होता है। उसी तरह से भगवान का यहाँ जन्म हुआ, फिर दूसरे ब्रह्मांड में होगा, फिर तीसरे ब्रह्मांड में होगा, फिर चौथे ब्रह्मांड में होगा, फिर पांचवें ब्रह्मांड में होगा। कृष्ण यहाँ पर 1 दिन के हुए, दूसरे ब्रह्मांड में 1 दिन के होंगे, तीसरे ब्रह्मांड में 1 दिन के होंगे, चौथे ब्रह्मांड में 1 दिन के होंगे, ठीक है ना? पहले भारत में 7:30 हुआ, अभी 9 बज रहा है, शारजा में भी 7:30 हो रहा है, 1.5 घंटे बाद वहां पे 9 बज जाएगा। भारत में जब 7:30 होगा, 1.5 घंटे बाद वहां पे भी 7:30 हो जाएगा शारजा में। इस तरह से भगवान के भी जो शरीर है ये नित्य रूप से हर ब्रह्मांड में जाते रहते, तो भगवान सूर्य की तरह है, सन की तरह है। तो क्या ब्रह्मांड में बाकी ब्रह्मांड में भी ऐसा ही भौतिक संसार और भी, मतलब बाकी ब्रह्मांड तो है ऐसा ही है, लेकिन ऐसा ही भौतिक संसार उधर भी ऐसा ही है सेम टू सेम जैसा अभी यहाँ पे? सेम है, थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे सिंपल है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं, 4 डायरेक्शन है, 4 डायमेंशन है, जहाँ पे 10 है वहां पे 10 डायमेंशन है, जहाँ 20 है वहां पे 20 डायमेंशन है। तो बाकी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी के ज्यादा सर है, इसलिए डायमेंशन ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे हम लोग रहते हैं घर परिवार वाले, वैसे वो लोग भी वहां पर रहते हैं। क्योंकि हम ये जान रहे सुन रहे शास्त्र में और लेक्चर से कि जीव अपना कर्म करने के लिए, मतलब अपना कर्म के हिसाब से फिर से जन्म लेके यही धरती में यही पृथ्वी लोग पर आना पड़ता है, यही भूलोक पर आना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि एक ही ऐसा जो जगह है, तो भौतिक संसार तो एक ही है, ब्रह्मांड तो बहुत है लेकिन भौतिक संसार एक ही है, यही समझ में आ रहा था, इसलिए मैं पूछा ये प्रश्न। एक्चुअली कैसा होता है, जब तक ब्रह्मा जी का अंत नहीं हुआ है जी, तब तक हम इस ब्रह्मांड में ही कहीं पैदा होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है, फिर हम हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में भी प्रकट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। अभी क्या करूंगा माता उर्वशी माता जी, मैं एक बार समरी बता देता हूँ, समरी बताने के बाद में मैं आपको प्रश्न लेता हूँ, ठीक है ना? ताकि बाकी लोग जो लोगों को लेट हो रहा है वो जा सकते हैं। तो मैं समरी बता के अंत करता हूं। तो 7वें अध्याय में भगवान क्या करते हैं, 6 तरह के भक्तों के बारे में बताते हैं।
तो तीन तरह के सकाम भक्त हैं जो कि कर्म मिश्र भक्त हैं। कौन कौन? आर्तो, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु। तीन कर्म मिश्र भक्त हैं। एक ज्ञान मिश्र भक्त के बारे में बताया था जो ज्ञानी है, ये चार हो गए। फिर 29 नंबर श्लोक में जो भक्त के बारे में बता रहे हैं वो कौन सा है? वो मोक्ष कामी है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो चार और एक पांच। और शुद्ध भक्त के बारे में भगवान पहले श्लोक में ही बता देते हैं, योगम युंजन मदाश्रया, मुदी तरह पूर्ण रूप से आश्रित है, वो शुद्ध भक्त है। तो इन छह तरह के भक्तों के बारे में भगवान इस सातवें नंबर चैप्टर में बताते हैं। तो जो मोक्ष कामी भक्त है वो ब्रह्म में लीन होता है, कर्म मिश्र भक्त सालक मुक्ति प्राप्त करते हैं, निष्काम ज्ञान मिश्र जो भक्त होता है, जो ज्ञान मिश्र भक्त है वो शांत रति प्राप्त करता है, शांत रस प्राप्त करता है, और जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का पार्षद बन जाता है नजदीकी। तो ये सब भगवान यहाँ पर इसमें सातवें नंबर में बताया हुआ है चैप्टर में। और सातवें नंबर का जो आपका 30 नंबर श्लोक है और 29 नंबर श्लोक है, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, कर्म, अध्यात्म, ये सारी चीजें अर्जुन को समझ में नहीं आती हैं कि क्या भाई आप क्या अध्यात्म बोल रहे हैं, क्या कर्म बोल रहे हैं, क्या अधिभूत बोल रहे हैं, क्या अधिदेवी बोल रहे हैं। तो ये अर्जुन प्रश्न पूछेगा आठवें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। तो ये सातवें अध्याय में और आठवें अध्याय में कनेक्शन है। ओके, तो उस तरह से ये सातवां अध्याय कंप्लीट होता है। जो भक्त अभी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, तो क्लास एंड हो गई ऑफिशियली। और जिनको कोई प्रश्न है या प्रश्न सुनना चाहते हैं तो वो रुक सकते हैं। पूर्वती माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बंद पुस्तक प्रश्न है ना, उसमें तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, छह तरीकों को सूचीबद्ध करें जिसमें जिसके माध्यम से भौतिक जगत में कृष्ण को देखा जा सकता है, उसमें 7.8 से 11 में, उसमें तो 12 ऐसा है कि मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश हूँ, तो उसमें से खाली 6 लिखना है या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ? नहीं नहीं सही है। तो वो 12 उसमें तो बहुत सारे है ना प्रभु जी? सारे हैं, उसमें से कुछ पूछे जा रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ उसमें से जो भी 6 लिख दो, 6 लिख दीजिए आप, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके ठीक है। और एक मुझे माता जी आप वो हो गई है, म्यूट हो गई है। हाँ, भक्ता हैंडबुक में से और एक जगह पे लिखा हुआ है जो 7.15 और 16 में है, चार दुष्कृति ना, उसमें सेकंड नंबर है नराधम, उसमें लिखा हुआ है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का कहना है कि जो लोग डीएस लिए हैं, ये डीएस क्या है प्रभु जी? डीएस पूरा पढ़िए उसको। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती का कहना है कि जो लोग डीएस लिए हैं उन्होंने इसे छोड़ दिया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है डिवोशन सर्विस, भक्ति भक्ति। ओ भगवान, मुझे वो समझ में नहीं आया। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ओम प्रकाश प्रभु, आप क्वेश्चन? प्रभु जी हो गया मेरा क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हो गया जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीपक प्रभु। प्रभु जी मैं 3 प्रश्न है, तो पहले ये पूछना चाहता हूँ कि 6 प्रकार के जो आपने भक्त बताए, तो अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और चौथा कौन सा है? ज्ञानी। ज्ञानी। अच्छा ज्ञानी, और फिर पांचवा? पांचवा है ये जो भक्त ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष कामी भक्त। मोक्ष कामी भक्त। ओके, ये 29 नंबर श्लोक में है। और छठा? छठवां शुद्ध भक्त है जो पहले श्लोक में आता है। ओके। अच्छा, मेरे बाकी के 2 प्रश्न है अभी। जैसे कि आपने बताया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगता है, तो अभी हम जैसे वो देखते हैं सुनने में कि बाल यौन शोषण जो वगैरह होता है, वो भी उनके कर्मों के अनुसार होता है? हाँ, जो भी होता है सब उसी कारण होता है। अच्छा, वो भी कर्मों के अनुसार ही होता है। हाँ, वो कष्ट भोगते हैं। अच्छा प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था, भगवान अपने भक्तों को अपनी योग माया से ढक लेते हैं,
ये योग माया का पर्दा भगवान अपने शुद्ध भक्तों से कब हटाते हैं, एक ये है उसी में आगे, और एक भक्त को क्या करना चाहिए भगवान को जानने के लिए। अच्छा, तो शुद्ध भक्त से, हाँ देखिए, शुद्ध भक्त से भगवान तब हटाएंगे जब लीला में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये यशोदा मैया, उनको भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि यशोदा मैया भूल जाए कि कृष्ण मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है, समझे ना। जब कृष्ण ने बोला, दाऊजी ने आके बोला कि देखो कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो कन्हैया बोले मैंने नहीं खाई है। मैया बोली अरे दाऊजी बोल रहे हैं, बोले पता नहीं दाऊजी आज झूठ कैसे बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद में वो मैया बोलने लगे, कहने लगे अरे तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलो। तो कन्हैया ने बोला अगर मुंह खोल देंगे तो मिट्टी गिर जाएगी तो पकड़े जाएंगे, तो क्या किया, मुंह खोला, उसमें ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो उस समय योग माया का पर्दा हटा लिया। क्यों हटाया, ताकि यशोदा मैया भूल जाए क्या हुआ है, तो अपनी गलती छुपाने के लिए। तो लीला करने के लिए भगवान कभी कभी हटा लेते, वरना जरूरत नहीं है ना, योग माया का पर्दा हटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि योग माया क्या कर रही है, योग माया भगवान से भक्तों को और अच्छे से जोड़ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए योग माया का पर्दा हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जी थोड़ा सा और बात है कि योग माया किस तरह अच्छे से जोड़ रही है, समझ नहीं आ पा रहा हूं मैं। देखिए, जब तक यशोदा को ये नहीं लगेगा कि कृष्ण मेरा बेटा है, मुझ पर निर्भर है और उसको मैं नहीं खिलाऊंगी तो मर जाएगा, तब तक वो ममता का भाव नहीं आएगा। जब वो भूलेंगी कृष्ण भगवान है तब ही वो ममता का भाव आएगा। इसलिए उसको भुलाने के लिए भगवान योग माया का पर्दा डालते हैं, ठीक है। और हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों को महामाया का पर्दा है, उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि महामाया के कारण हम कृष्ण को ही भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको भक्ति करनी पड़ती है ताकि हम कृष्ण को याद रख सके। ओके, ठीक है। तो बाबू जी, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे से हमारी भक्ति का स्तर बढ़ेगा तो अपने आप ही, जैसे से हमारे में शुद्धि आती जाएगी तो अपने आप ही वो आवरण जो है, जो वो मोह माया का हो या योग माया का, वो अपने आप हटते जाता है। हाँ, वो महामाया हटती जाएगी, और जब पूर्ण रूप से हम मुक्त हो जाएंगे तो योग माया का पर्दा आ जाएगा, महामाया का पर्दा चला जाएगा। तो योग माया और महामाया दोनों में अंतर है। हाँ, तो आज की क्लास में ये भी प्रभु समझा था कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो परम भक्त होते हैं, वो भी भगवान को पूर्णतः जान नहीं पाते हैं उनकी योग माया द्वारा। हाँ, तो इस तरह और बताइए प्रभु जी की ये क्या स्थिति है। मतलब देखिए, पूर्ण रूप से भगवान भी नहीं चाहते हैं कि वो जाने, इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि पूर्ण रूप से अगर जान जाएंगे, देखो दो कारण है। पहली बात तो नहीं जान पाते हैं कि वो जीव है, जीव अणु है, भगवान विभु है, इसलिए भगवान को पूर्ण ज्ञान है, जीव को कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये तो एक तो ये नियम है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा चीज ये है कि भगवान चाहते भी नहीं है कि पूर्ण ज्ञान हो। पूर्ण ज्ञान न होगा तो फिर लीला कैसे करेंगे। तो लीला करना है तो पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है ना। श्रीला प्रभुपाद ने बताया है तात्पर्य में, भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादन किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं प्रभु जी। अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? अचिंत्य भेदा मतलब भेद और अभेद, भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब समानता। हम और भगवान समान है, किसमें? भगवान सच्चिदानंद के बने हैं, हम भी सच्चिदानंद के बने हैं। अंतर क्या है? हम अणु हैं, भगवान विभु है। हम समुद्र की एक बूंद है, भगवान समुद्र है। हम सोने का एक कण है, भगवान सोने की खान है। तो ये दोनों में अंतर, ठीक है ना। और अचिंत्य का मतलब क्या प्रभु? अचिंत्य मतलब उसको हम समझ नहीं पाते हैं, समानता कहाँ है और अलग क्या है, इसलिए इसको अचिंत्य बोलते हैं। अचिंत मतलब जो चिंता करके भी प्राप्त ना हो उसको अचिंत कहते हैं, ठीक है ना। अचिंत
ब्रज विलासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति और योग मिश्र भक्ति, उसके बारे में थोड़ा सा एक और क्लियर करेंगे। जैसे ज्ञान मिश्र भक्ति है वो भक्ति योग की पराकाष्ठा हम समझ सकते हैं? देखिए, थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा वैसा। हाँ, कर्म योग और कर्म मिश्र भक्ति में अंतर है। क्या अंतर है? कर्म योगी का लक्ष्य कृष्ण नहीं है, कर्म योगी का लक्ष्य है ब्रह्म, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है बस, तो कर्म योगी है। दूसरा फर्क क्या है? कर्म योगी कर्म करता है और फिर उसके बाद में थोड़ा सा भगवान को याद रखता है। जैसे एक सब्जी वाला है, दिन भर वो सब्जी बेचता है, अंत में क्या बोलता है कि हे भगवान, आपने मुझे ये कर्तव्य दिया था सब्जी बेचने का, मैंने उसको बेचा, अभी आप इस ड्यूटी से प्रसन्न रहिए। तो मन में क्या करता है? मन में उस कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है, तो भगवान को थोड़ा सा याद कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कर्म योगी। कर्म मिश्र भक्त कौन है? वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना चाहता है, किसको प्राप्त करना चाहता है? कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। वो श्रवण कीर्तन भी करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए आया ना तीन तरह के, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, तीन तरह के उसके अंदर इच्छाएं हैं। तो एक तो इच्छा की गड़बड़ है, दूसरा बात क्या है, उसके कारण वो वर्णाश्रम का पालन भी करता है, वो समझता है यही सब कुछ है। तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी जब भक्ति की बात आती है, भक्ति में ड्यूटीज की और वर्णाश्रम में ड्यूटीज की, तो कभी कभी वर्णाश्रम में ड्यूटीज को प्रेफरेंस दे देता है। एक उदाहरण देते हैं उसके लिए, उसका उदाहरण क्या है, एक बार की बात है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो अपने गौड़िया मठ में थे मायापुर में, तो उनके पास एक व्यक्ति आया जो नया नया भक्त बना था और बड़ा बैरिस्टर था, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे था। उनके साथ में एक और जो भक्त साथ में एक और लेके आए थे, तो उन भक्त से भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूछने लगे, आप क्या वृंदावन यात्रा में आ रहे हैं? तो बोले, नहीं, प्रभुपाद क्या है कि वो हमारा ऑफिस है तो हम आ नहीं पाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि आप क्या करिए, ऑफिस में जाके झूठ बोल दीजिए, इतने सारे झूठ हैं इंडियंस के पास, तो कितने लोग दादा दादी कितने बार मरते रहते हैं, कभी दादी बीमार होती है, कभी दादा दादी बीमार होते रहते हैं, तो कुछ बोल के आप आ सकते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति था बैरिस्टर, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो कहने लगा, अरे आप साधु होके झूठ बोलने के लिए कैसे बोल सकते हैं? तो गुस्सा होकर वो चला गया। इस व्यक्ति को क्या लग रहा था कि ड्यूटी भक्ति से ऊपर है, तो भक्त लोग ड्यूटी करते हैं तब तक करते हैं जब तक वो भक्ति में अवरोध नहीं बनती है, तो उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। लेकिन जब ड्यूटी ऊपर हो जाती है, भक्ति नीचे हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कर्मयोग। ठीक है, जब कभी कभी ड्यूटी ऊपर होती है, कभी कभी भक्ति ऊपर होती है, तो उसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। ठीक है, तो इसको मिश्र बोलते हैं, मतलब मिश्रण है, तो ये कर्म मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब है, ज्ञान मिश्र भक्त का भी लक्ष्य कौन है? कृष्ण की प्राप्ति, गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, लेकिन उसको ज्ञान मिश्र भक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका श्रवण कीर्तन में उतनी रुचि नहीं रहती जितना शरीर और आत्मा में भेद में होती है। तो जब उसको 24 तत्वों के बारे में बताते हैं तो उचक के चला जाता है, श्रवण कीर्तन के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो भी श्रवण कीर्तन कर रहा है पर उतना नहीं कर रहा है जितना इसके बारे में सोच रहा है। तो उसलिए क्या होता है, वो श्रवण कीर्तन में उसका उतना श्रद्धा नहीं है जितनी श्रद्धा उसकी शास्त्रों के अध्ययन में, और कौन से शास्त्र? ज्ञान शास्त्र, जो शरीर और आत्मा भेद बताते हैं, इसको ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं। योग मिश्र भक्त, वो भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उसके बारे में 8वें अध्याय में बताएंगे अभी, लेकिन वो भी यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, उसको योग मिश्र भक्त कहते हैं। उसका लक्ष्य भी कृष्ण है, वो भी ओम का उच्चारण करता है या भगवान का नाम लेता है, किंतु योग सिद्धि में उसकी इच्छा है, उसको योग मिश्र भक्त।
ठीक है, तो ये सारे मिस्र भक्त है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हेलो, हरे कृष्ण। दीपक रोहिरा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था शुद्ध भक्त के बारे में, तो उसके आगे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे परम पूज्य आचार्य हैं प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज जी, तो ये पूर्णतः शुद्ध भक्त तो डेफिनेटली है ही है, पर क्या उन्होंने भी भगवान को पूर्ण रूप से 100% जाना है? 100% कोई नहीं जान सकता। 100% जानने का मतलब है प्रकृति में सब जगह क्या हो रहा है। कृष्ण सबको जानते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी से पूछने लगा इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग में कितनी सारी खिड़कियां हैं। कोई बिल्डिंग होगी बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग, जैसे हमारे यहाँ होती है ना राष्ट्रपति भवन जैसा, जैसे कोई बिल्डिंग है, बोले इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग में कितनी सारी खिड़कियां हैं। प्रभुपाद बोले एब्सर्ड इंक्वायरी। एब्सर्ड इंक्वायरी मतलब बेकार की बात है, क्यों भाई? शुद्ध भक्त होने का मतलब ये नहीं है उसको सब पता होगा कौन सी बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं। एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी पूछने लगा द्वारका में इतने सारे लोग होते थे तो वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता था? हम द्वारका के होते हैं, भक्ति के ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता था? इस तरह से कृष्ण सबको जानते हैं। कृष्ण से आप पूछेंगे ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता था, कृष्ण बता देंगे कौन सी बिल्डिंग में कौन सी जगह है, कितनी खिड़की है, कितने दरवाजे हैं, कृष्ण सब बता देंगे। लेकिन आप भक्त को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ बताएगा, शुद्ध भक्त भी नहीं बताएगा। तो ये जीव में और भगवान में हमेशा अंतर रहता है, ठीक है ना दीपक? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हम लोग अभी अंत करेंगे, तो सातवां चैप्टर एक्चुअली हम थोड़ा चल रहे हैं, प्रणाम को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से। श्रीमद् भगवद गीता की श्री गोपाल की, हरे कृष्ण नित्याय गौतम आनंद देवी।